तो वेलकम बैक जनाब। एक बार हम लोग फिर से यूट्यूब पे आग लगाने वाले हैं। आज हम आपको देंगे फ्रीलांसिंग पर एक कंप्लीट कोर्स, और इस कंप्लीट कोर्स के अंदर एक प्रॉपर रोड मैप होगा कि हम लोग को फ्रीलांसिंग कैसे करनी, फ्रीलांसर कैसे बनना है। अब इसको कोई आम वीडियो समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पिछले 3 दिन से मैं मात्र 3 घंटे की नींद पर सर्वाइव कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे इंटरनेट पर कोई ऐसा ब्लॉग नहीं है, कोई ऐसा आर्टिकल नहीं जिसको मैंने पढ़ा ना हो, या फिर यूट्यूब पर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई ऐसी वीडियो नहीं जो मैंने देखी ना हो। और ये 3 दिन की लगातार की रिसर्च पर इस वीडियो को बनाया जा रहा है, प्लस मैं 5 साल से खुद इस वर्क को कर रहा हूं और यहां से हंड्रेड से ज़्यादा क्लाइंट के साथ वर्क कर चुका हूं। तो जनाब फ्रीलांसिंग एक बेहद ही बेजीता टॉपिक होता है, हर कोई फ्रीलांसिंग करना चाहता है, पर किसी ने भी फ्रीलांसिंग को एक आसान तरीके से या एक अच्छी तरीके से नहीं समझा रखा है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट आपको एक कोर्स दूंगा जहां पर मैंने इस कोर्स को 2 तरीके से डिजाइन किया है। एक तो मैंने आपको थ्योरी में समझाया है जिसमें पूरा फ्रीलांसिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा कि क्या है, कैसे करना है, कितना टाइम लगेगा, कहाँ कहाँ करना है, सब कुछ। दूसरा आपको प्रैक्टिकल में मैंने अकाउंट बनाकर सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है। और इस कोर्स के साथ जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसको 2 चीज़ें यहाँ पर फ्री में गिफ्ट के तौर पर मिलेंगी। पहला कि इसमें मैं जो जो भी समझाऊंगा उसके कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाने वाले हैं, साथ में आपको ईमेल में क्या लिखना है, ईमेल फॉर्मेट क्या होता है, वो सब आपको मिल जाएगा। दूसरा एक ईबुक मिलेगी, ईबुक के अंदर मैं आपको यहाँ पर कुछ कोर्सेज की लिंक दूंगा जो इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं। इस वीडियो में आपको 30 से ज़्यादा ऐसी स्किल्स बताऊंगा जो फ्रीलांसिंग के लिए आप कर सकते हो, कोई एक स्किल अपना लो और पैसे कमा लो, ठीक है। अगर आप बिना डिग्री के बिना किसी सर्टिफिकेट के पैसे कमाना चाहते हो तो ये कोर्स सिर्फ आप लोगों के लिए है। बस आपको 2 वादा यहाँ पर करना होगा। पहला वादा आप करिए कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दूसरा वादा मैं करता हूँ कि मैं आपको बिना डिग्री बिना सर्टिफिकेट के कंप्लीट प्रोफेशनल फ्रीलांसर बनाकर दे दूंगा आपको। अब आप ये समझना कि इस वीडियो को बस आपको लास्ट तक देखना है, और अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक करके इसको और शेयर करना कि बाकी लोगों तक ये कोर्स जाए। और कंप्लीट कोर्स में आपको PDF में ईबुक की लिंक मिल जाएगी, प्लस नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे और जितना एक्स्ट्रा मटेरियल है सब कुछ मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट पर कोई दूसरी वीडियो फ्रीलांसिंग की देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट डिटेल आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड मिल जाएगी। तो चलिए अपनी रोड मैप को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोग किस तरीके जानने वाले हैं इस फ्रीलांसिंग कंप्लीट कोर्स के बारे में, और बहुत ही आसानी से बहुत ही सरल तरीके से 1 by 1 एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और हर चीज़ कवर करेंगे, चाहे वो कोई प्रैक्टिकल चीज़ हो, चाहे यहाँ पे कोई डेमो वाली चीज़ हो, या फिर हम लोग किसी थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ने देखिए यहाँ पे PPT को बना रखा है, और सारा मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF के तौर पर, ठीक है, जो जो यहाँ पढ़ोगे सब चीज़ें। और उसके बाद में एक बुक भी मिलेगी, बुक के अंदर आपको कोर्सेज की लिंक मिलेगी बाकायदा, बस आपको बटन क्लिक करना है। उस बुक के अंदर आपको बटन दी गई होंगी वॉच नाउ की, उनको क्लिक करना और सारे कोर्सेज की लिंक मिल जाएगी। अब मैंने कोर्सेज की लिंक यहाँ पे क्यों दी है, जो जो इंपॉर्टेंट स्किल्स मैं यहाँ पे बताऊंगा उनको आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप यहाँ से सीखने जा सकते हो। तो पूरी आपकी हेल्प करूंगा, बस आपको एक लाइक करना होगा, ओके। तो चलिए इस चीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक कलर को चूज कर लेते हैं कोई अच्छा सा, तो यहाँ पर येलो कर लेते हैं, ठीक है, या फिर ऑरेंज कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारी फर्स्ट PPT है, फ्रीलांसिंग कंप्लीट रोड मैप। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं यहाँ पे, जो कि है हमारा सबसे पहले पॉइंट है प्रोफेशनल इन 1 डोमेन। अब जनाब हम लोगों को क्या है कि बहुत सारे डोमेन्स मिलते हैं, मान लीजिए मीडिया का हो गया, टेक का हो गया, कंसल्टेंट का हो गया, टीचिंग का हो गया, तो हमको कोई एक डोमेन के अंदर कोई एक स्किल्स को सीखना पड़ेगा। अब कोई भी स्किल हो सकती है, मैं अभी आपको हज़ारों स्किल्स बताऊंगा, सॉरी हज़ारों तो नहीं बताऊंगा, पर 30 से ज़्यादा स्किल्स मैं बताने वाला हूं, पर यहां पे उनमें से आपको कोई एक स्किल सीखनी है, उस पर जितना भी टाइम लगे वो आप दे सकते हो। अगर 1 साल भी लगता है आप 1 साल लगा दो, पर आने वाले 7 साल में आपको पैसे दबा कर कमाने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई चीज़ सीखने जा रहे हैं तो उसमें आपको 2 फैक्टर्स मिलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको फैक्टर मिलता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, दूसरा हमारा बैकग्राउंड किस चीज़ में है, ठीक है। अब पहले इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। आपने बचपन से अपने अंदर देखा होगा कि यार किस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, मैं क्या चीज अच्छे से कर लेता हूं। लाइक अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे कोडिंग अच्छे से आती है, उतना नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा, अगर मैं बड़ी टेक्नोलॉजीज
की बात करूँ तो नहीं, पर हाँ CHTML पाइथन ये सब आता है मेरे को, ठीक है। और अगर बात करूँ कि मैं किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ, ये सबसे बड़ी अच्छी मेरी खूबी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टीचिंग कर सकता हूँ सबसे बढ़िया, कंसल्टेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो वीडियो एडिटिंग भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ। तो ऐसे आपको अपने अंदर देखना है कि आप किन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो, आपके अंदर क्या इंटरेस्ट है। पहला पॉइंट क्लियर कि इंटरेस्ट ढूंढो, इंटरेस्ट के अंदर आपको कोई ना कोई एक स्किल मिल जाएगी जो मैं यहाँ पे आपको आगे बताने वाला हूँ। दूसरा, अगर स्किल आपको इंटरेस्ट के बेस पे नहीं मिल रही है तो आपको अपने बैकग्राउंड के बेस पे देखना होगा। अब बैकग्राउंड क्या है कि आप कहाँ से आ रहे हो। अब मान लीजिए आप, मैं एक बात करूँ कि आप साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ रखी है, फिर मैथ अच्छे से पढ़ रखी है, तो आप मैथ की टीचिंग भी दे सकते हो फ्रीलांसिंग के जरिए। आप ऑनलाइन लोगों को पढ़ा सकते हो, एक वेबसाइट बना लो, वेबसाइट के जरिए पढ़ा लो, ठीक है, अपने ट्यूटोरियल शेयर करके पढ़ा लो। या फिर आप टीचर हो तो आप कोई अलग सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हो, किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, लाइक JEE के अंदर आप फिजिक्स को पढ़ा सकते हो। तो आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, आप बैकग्राउंड अपना देखिए कि आप क्या चीज़ आती है। अगर मैं बात करूँ कि एक कारपेंटर होता है, उसको लकड़ी का काम अच्छे से करना आता है, वो फर्नीचर अच्छे से डिजाइन कर लेगा, पर मैं क्या कहूँ कि वो फर्नीचर डिजाइन करना उसका इंटरेस्ट है, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हो सकता है उसको गाने में मन लगता हो, किसी चीज़ को कोई बजाने में मन लगता हो, पर ज़रूरी नहीं है कि फर्नीचर बनाना उनका इंटरेस्ट हो, पर उनका बैकग्राउंड होता है, क्योंकि शायद उनके फादर भी वही काम कर रहे होते हैं, फादर के फादर वही काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके आप अपने बैकग्राउंड में देखो कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अब कारपेंटर को बचपन से ही ये सब चीज़ें अपने पिता से एक तरीके से आप मिल जाती हैं कि हाँ यार कारपेंटर है, तो उनको भी अंदर वो गुण आते जाते हैं कि मेरे पिताजी कैसे करते थे, मुझे कैसे करना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर होता तो अपने पिताजी को देखते देखते कुछ चीजें तो उसके अंदर आती कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तो बैकग्राउंड देखिए कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसी स्किल हो जो आपके खानदानी चली आ रही हो और उसका यूज करके आप तगड़ा पैसा कमा सकते हो, पर आपको शायद मालूम ना हो। अगर मैं बात करूं कि आप किसी भी चीज का मॉडल बना सकते हो, ठीक है, तो आप मॉडल डिजाइनिंग की दे सकते हो, फ्रीलांसिंग की, यार मॉडल कैसे बनाया जाता है। या फिर आप मान लीजिए घर का स्ट्रक्चर नक्शा बना लेते हो कि एक तरीके से कोई बड़ा घर बनाना है तो कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो आप उसकी फ्रीलांसिंग कर सकते हो कि इतने बाय इतने का घर कैसे बनाया जाता है। तो उस चीज़ के बारे में जो भी आपकी नॉलेज हो, बस उसको शेयर करना होता है। कोई भी फील्ड में आपका एक डोमेन होना चाहिए जिसके फील्ड में आपकी अच्छी पकड़ हो, आपका अच्छा नॉलेज हो। तो मेरे हिसाब से बैकग्राउंड तो उतना मुझे समझ में नहीं आता है, पर मुझे इंटरेस्ट सबसे अच्छा लगता है कि इंटरेस्ट किस में है। हो सकता है किसी का बैकग्राउंड मजबूत ना हो, किसी भी चीज़ से वो रिलेट ना कर पा रहा हो, पर इंटरेस्ट तो हर किसी का किसी भी चीज़ में होता है। किसी को सिंगिंग में होता है, किसी को डांसिंग में होता है, तो जिस चीज़ में भी है आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। इतने में कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं जनाब। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैंने आपको डोमेन सिलेक्ट करने के लिए बताया, तो अगर मैं देखूं कि फ्रीलांसिंग में आज के समय में कौन से डोमेन बूम पर हैं, मतलब कौन से डोमेन सबसे ज़्यादा यहाँ पे विख्यात हैं या फिर सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो टेक डोमेन है आपका सबसे बढ़िया है, ठीक है, टेक डोमेन में क्या होता है, पैसा भी बहुत है, सीखने को भी बहुत कुछ आपको मिलता है, ठीक है, जो कि मैं एक तरीके से टेक डोमेन के ही अंदर काम करता हूँ। दूसरा बात करें कि आपका मीडिया डोमेन, मैं मीडिया डोमेन के अंतर्गत भी मैं काम करता हूँ क्योंकि मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ, वीडियो एडिट भी करता हूँ, इसलिए मैं मीडिया डोमेन के अंदर भी आ गया, ओके। तो आप देखिए दो ये डोमेन है, टेक और मीडिया, ये इस समय फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा भौकाल टाइट किए हुए, बहुत ज़्यादा धमाल मचा रहे हैं। अगर आप इनके अंदर कुछ भी सीख लेते हो तो मैं आपको अंदाज़ा दे सकता हूँ कि लाखों रुपए आपके लिए हजारों के बराबर लगने वाले हैं। आप उस तरीके से अगर स्किल्स को अपनी मजबूत कर लेते हो और प्रो लेवल पे जाते हो, कि मतलब मैं नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप प्रो हो जाते हो, तो फिर पैसे की बारिश होने वाली है एक तरीके से। फिर उसके बाद अगर देखें तो टीचिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छे से आती है तो आप उस चीज़ को सिखा सकते हो, दूसरे को समझा सकते हो, तो बहुत बढ़िया है। अभी टीचिंग के अंदर मैं आपको स्किल्स बताऊंगा, टेक के अंदर स्किल्स बताऊंगा, मीडिया के अंदर भी स्किल्स बताऊंगा, अभी ये डोमेन बता रहा हूँ, समझना मेरी बात। फिर आता है चौथा, कंसल्टेशन, ठीक है। अब कंसल्टेशन में आप किसी भी चीज़ का कंसल्टेंट बन सकते हो, जो भी आपको आता हो, पर कंसल्टेशन में क्या होता है कि डिग्री रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ये ऊपर टेक, मीडिया
और टीचिंग में भी शायद एक बार इतना नहीं है कि डिग्री हो, जरूरी नहीं आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आप कर सकते हो, पर कंसल्टेशन में डिग्री मांगी जाती है। क्या किसी चीज़ को कंसल्ट कर रहे हो तो आपको कैसे पता है? कुछ तो प्रूफ होगा, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, ये ज़रूरी होता है। वो आगे आपका डाउट क्लियर होगा। तो अभी चार डोमेन है, इन चारों डोमेन को आपको कॉपी में लिख लेना है जिससे आप भूलो ना। बाकी मैं आपको पूरा दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जनाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा जो टेक डोमेन है। मैंने टेक डोमेन के अंदर जो चीज़ बताई हैं उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, किनको आप बढ़िया से कर सकते हो। सबसे पहला आपका स्किल जो आती है फ्रंट एंड डेवलपर की है। फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, मैंने बहुत अपने यूट्यूब चैनल पर सब वीडियोज़ को बता रखा है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रंट एंड डेवलपर, जैसे आप कोई वेबसाइट पर जाते हो तो वेबसाइट का जो इंटरफेस होता है जिसको हम लोग UI बोलते हैं, तो वो फ्रंट एंड डेवलपर ही बनाते हैं, जिसमें HTML, CSS, JavaScript यूज़ होती है। बहुत ज़्यादा डिमांड है फ्रंट एंड डेवलपर की। अगर आप बन जाते हैं तो अच्छा पैसा कमा लेते हैं, और मैंने ऑलरेडी HTML का कंप्लीट कोर्स बना रखा है, हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। दूसरा बैकएंड डेवलपर। अब बैकएंड डेवलपर क्या होता है कि जो आप मान लीजिए वेबसाइट पे जो चीज़ देखते हो उसके बैकग्राउंड में भी कुछ चीज़ें रन हो रही होती हैं, कि मान लीजिए आपने कोई क्लिक किया, कोई वीडियो पे क्लिक किया यूट्यूब पे, तो वीडियो आपके फ़ोन में कैसे ओपन हो गया, जबकि वो वीडियो तो आपके फाइल मैनेजर में नहीं है, तो वो लाता है सर्वर से और आपके मोबाइल में प्ले करता है। तो बैकग्राउंड में जो चीज़ें रन हो रही होती हैं वो बैकएंड संभालता है, बैकएंड में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको बैकएंड सीखना है तो उसके लिए भी मेरे चैनल पर आपको धीरे धीरे वीडियोस मिल जाएंगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं कोर्सेज सब आपको यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, बस वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है। बैकएंड डेवलपर भी यहाँ आपका बेस्ट है। उसके बाद बात कर लेते हैं फुल स्टैक। फुल स्टैक क्या होता है, जिसको जनाब फ्रंट एंड की नॉलेज प्लस बैकएंड की नॉलेज दोनों होती है। मान लीजिए मैं हूँ, मुझे फ्रंट एंड की भी नॉलेज है और बैकएंड की भी नॉलेज है मीडियम, तो मैं बात कर सकता हूँ कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, ठीक है। तो जिसको फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों हो। अब मैं बताऊँ कि फ्रंट एंड और बैकएंड से ज़्यादा यार मांग फुल स्टैक वालों की होती है और इनको फीस भी ज़्यादा मिलती है, ओके। तो आप मेरे हिसाब से समझिए, तो पहले फ्रंट एंड सीखिए फिर बैकएंड भी सीखिए, इससे आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे, ओके। अब आते हैं ऐप डेवलपमेंट पे। ऐप डेवलपमेंट क्या है, इतना तो आपको आई होप नॉलेज होगा। मैंने बहुत बार ऐप डेवलपमेंट का पूरा रोड मैप डाल रखा है। ऐप डेवलपमेंट में आप ऐप्स बनाते हो, ऐप्स के भी कई टाइप्स होते हैं। अब ऐप्स आप सोचते हो एंड्रॉयड और iOS के लिए होता है, ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए आपका नेटिव ऐप्स होता है, प्लस अलग से भी कुछ ऐप्स होते हैं, वो मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट रोड मैप में कवर कर रखा है, ओके। नेक्स्ट आते हैं UI UX के बारे में। UI UX क्या होता है, ओके, तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कशन करते हैं। UI UX जैसे आपका फ्रंट एंड होता है, वैसे ही ऐप के अंदर जो चीज़ आप यूज़ करते हो। UI मतलब यूज़र इंटरफेस और UX मतलब यूज़र एक्सपीरियंस। अब हम लोग जब कभी वेबसाइट बनाने जाते हैं तो उससे पहले हम लोग उसका UI बना लेते हैं, किसकी मदद से, ग्राफिक डिजाइनिंग की मदद से। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, Adobe के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर। वैसे फोटोशॉप वगैरह से भी बनते हैं और इलस्ट्रेशन से बनते हैं और Adobe XD से बनते हैं, ठीक है। मैं नाम आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो अगर आपको UI बनाना आता है कि किस तरीके से कोई वेबसाइट या कोई ऐप डिजाइन होगा, उसका पहले एक हम लोग मतलब बना लेते हैं नक्शा, एक तरीके से कह सकते हैं बना लेते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप हम लोग बना लेते हैं, उसी के हिसाब से देख देख के ऐप का इंटरफेस बनाया जाता है। तो UI UX में भी आप अच्छा कर सकते हो अगर आप अच्छे से उसकी स्किल जानते हो। मतलब ये नहीं कि आप ऐसा वैसा बना रहे हो, अगर बढ़िया से बना लेते हो तो आपको बहुत सारे काम फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे मिल जाएंगे और बहुत सारे क्लाइंट्स आपको अप्रोच करेंगे, ओके, ठीक है। सर्वर पे आते हैं, ये नेक्स्ट हमारी स्किल है। सर्वर सीख सकते हो कि सर्वर कैसे मेंटेन है, कैसे रन होता है, ये सब चीज़ें। ऐसे बहुत सारी स्किल्स हैं, मैं आपको मेन सब बता रहा हूँ। अमेजन शॉपिफाई पे क्या होता है कि किस तरीके आप प्रोडक्ट को सेल कराओगे, ये सब, ओके। वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा, मतलब एक तरीके से ये देखो ऊपर की ये पाँच, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पाँच, इनमें से कोई भी सीख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5। फिर यहाँ पे वर्डप्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्डप्रेस में क्या होता है, बिना कोडिंग के आप वेबसाइट बना सकते हो, कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एलिमेंट्स को लाना होता है और आप वेबसाइट बना सकते हो। तो वर्डप्रेस का कंप्लीट कोर्स मैं अपने चैनल पर लाऊंगा,
थोड़ा सा रुकिए, मैं इसको सोच रहा हूँ जल्दी रहने की, क्योंकि मुझे वर्डप्रेस काफ़ी अच्छे से आता है और कठिन भी नहीं होता। मैं आपको एक वन शॉट वीडियो के अंदर सब समझा दूंगा। टेस्टिंग क्या होता है कि मतलब टेस्टिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है कि कहीं कोई बग तो नहीं है, उसको डीबग वगैरह किया जाता है। SEO, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग किस तरीके से अपनी वेबसाइट को गूगल के मतलब सर्च पेज में टॉप 5 के अंदर ला सकते हैं, इस चीज़ को SEO बोलते हैं। इसमें कुछ तरकीबें होती हैं, कुछ मेटा टैग्स में काम किया जाता है, उसके बाद हम लोग अपनी वेबसाइट को टॉप 5 रिजल्ट में लाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हम लोग अपनी वेबसाइट पर ला सकते हैं। तो ये भी एक तकनीक है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप SEO अच्छे से जानते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये था टेक डोमेन। अब टेक डोमेन के बाद मीडिया डोमेन तो और अच्छा है। मीडिया डोमेन में आप सीख भी जल्दी सकते हो टेक डोमेन से ज़्यादा, क्योंकि टेक थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है जो मतलब कभी भी इस फील्ड में नहीं रहे हैं। मीडिया में क्या है, मीडिया में आपका सबसे पहला जो है वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटर की जॉब, भाई यूट्यूबर भी वीडियो एडिटर चाहता है कि कोई यूट्यूबर बड़ा है वो सोचता है कोई वीडियो एडिटर मिल जाए, मैं वीडियो एडिट करा लूँ। इंस्टाग्रामर भी, यहाँ तक का आपका जो भी मतलब किसी भी मतलब सोशल मीडिया में कोई भी अगर वीडियो अपलोड होती है तो वो रखता है वीडियो एडिटर को। कोई फिल्म बन रही है तो वहाँ पे भी वीडियो एडिटर की यूज़ होगा। तो इस तरीके से वीडियो एडिटर को जितने ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं, मुझे लगता नहीं कि फ्रीलांसिंग में और किसी फील्ड में मिलते होंगे। ये एक वीडियो एडिटर हो गया, दूसरा ये ग्राफिक डिज़ाइनर। इन सबकी मतलब ये टॉप 5 स्किल्स हैं, मतलब टॉप 5 के अंदर का नाम आता है वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिज़ाइनर का। यहाँ इसका कोर्स डिस्क्रिप्शन में वो बुक के अंदर मिल जाएगा, ये सब अभी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिज़ाइनर की फील्ड तो बहुत ही औसम है अगर आप इसमें थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हो। यहाँ पे एक साल भी नहीं देना है आपको, मात्र 6 से 7 महीने में ही काम हो जाने वाला है। 6 to 7 months में ही अगर आप प्रैक्टिस करते हो डे बाई डे, कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स अपनी तरफ से डिज़ाइन करते हो या फिर एडिट करते हो, तो आप अच्छे से पकड़ बना लोगे। कोई भी एक सॉफ्टवेयर ले लो, ठीक है, और कोई भी एक सॉफ्टवेयर पर अपनी पकड़ बना लो और वहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छे से सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, बस आपको पैसे ही पैसा मिल सकता है। ओके, उसके बाद एनिमेटर। अब ये जानते हो ना, ये टॉप 5 स्किल्स के अंदर है। एनिमेटर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है आजकल, एनिमेशन वीडियोस की भरमार है। एनिमेशन वीडियो के अंदर आप जितना डिटेल से कोई चीज़ को सीख सकते हो ना, उतना ऐसे नॉर्मली नहीं सीख सकते हो। तो एनिमेटर बन जाओ, कार्टून वीडियो, प्रोजेक्ट टाइप वीडियो, एक्सप्लेनिंग वीडियो, हर टाइप की वीडियो आप बना सकते हो। तो एनिमेटर थोड़ा सा टफ लग जाता है कभी कभी कि हाँ यार उतना नहीं हो पाता है, पर ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटिंग तो आप कर ही सकते हो। म्यूजिक एडिटर, अब म्यूज़िक कंपोज कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है, मतलब दुनियादारी जितना होता है सब म्यूज़िक एडिटर को आता है। वो एडिट भी कर लेता है, कहाँ इको कम करनी है, कहाँ पे कितना बढ़ाना है, मुझे तो म्यूज़िक एडिटिंग के बारे में नहीं मालूम है, पर ये भी बहुत अच्छा डोमेन है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, ठीक है, स्कोप है, सॉरी फ्यूचर नहीं स्कोप है। मेकअप, मेकअप में क्या है यार, अगर आपने मेकअप का कोर्स कर रखा है, आप अच्छे से मेकअप कर लेते हो, खुद का पार्लर वगैरह है, तो आप उसकी भी यार लोगों को टीचिंग दे सकते हो घर बैठे, ये भी बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, ये सब यार लास्ट टॉपिक हैं। अब आप फिल्म मेकिंग तो घर पर ऐसे सीख नहीं सकते हो, एज आप कोर्स कोई करे हुए हो, कहीं से सीखे हुए हो, वो बात अलग की है। तो फिल्म मेकिंग डायरेक्शन आप दे सकते हो, पर ये थोड़ा लास्ट टॉपिक है। हाँ, वॉइस ओवर सबसे ज़्यादा चलता है, वॉइस ओवर किन को नहीं चाहिए होता है, कोई एडवर्टाइजमेंट वीडियो है उसके अंदर भी वॉइस ओवर लगती है, कोई भी आप कुछ भी देखते हो, मान लीजिए कोई वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड होती हैं उनमें भी वॉइस ओवर लगती हैं, जो फैक्ट टाइप की वीडियोज़ होती हैं तो उसमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा डिमांड पर होते हैं। कंटेंट राइटिंग, ये तो सबसे बढ़िया है। कंटेंट राइटिंग में क्या होता है, आपको लिखने का अच्छा तजुर्बा हो, लिखा कैसे जाता है, हिंदी में भी अगर आप अच्छा लिख लेते हो, कंटेंट अच्छा कर लेते हो, मतलब लिख अच्छा लेते हो, तब भी आपकी पहुंच बन सकती है, या फिर इंग्लिश में, दोनों में ही बेस्ट है, ठीक है। बस आपको लिखने का तरीका और लिखने के तरीके के अंदर आप कंटेंट राइटिंग किस फील्ड में कर रहे हो। आप मान लीजिए किसी अनबॉक्सिंग चीज़ों की अच्छे से मतलब मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल के रिव्यू अच्छे से कर रहे हो, या फिर पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे आप अच्छा बोल लेते हो, लिख लेते हो मतलब, तो ये देखो कि मैं किस फील्ड में अच्छा लिख लेता हूँ। हर फील्ड में नहीं लिख पाओगे, किसी एक फील्ड के अंदर आप अच्छा लिख लेते हो तो आप अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग, ये भी बहुत ज़्यादा बूम है, ये यहाँ पे ये जो टॉप 5 के अंदर है इसके अंदर ये भी आती है डिजिटल मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, मैं उसकी मार्केटिंग डिजिटल तौर पर कराना चाहता हूँ,
करता हूँ। लाइक आपका यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनमें एडवर्टाइजमेंट चलवा कर और वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट चलवा कर किस तरीके से हम लोग इनको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग किसी ऐप को प्रमोट करते हैं, किसी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को प्रमोट करते हैं, ऑनलाइन जितना भी प्रमोशन का काम होता है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। और ये कोई स्मॉल टॉपिक नहीं, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिस पर एक डेडिकेटेड वीडियो खुद बन सकता है। इसके कोर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो सब मिल जाएगा बुक के अंदर। SM मैनेजर क्या होता है? SM मैनेजर सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है, ये तो आजकल हर कोई रखना चाहता है। एक बड़ा यूट्यूबर जिसके पास अच्छा पैसा है वो सोशल मीडिया मैनेजर जरूर रखेगा, क्योंकि ईमेल हैंडल करने होते हैं, जो ब्रांड द्वारा स्पॉन्सरशिप वगैरह आती हैं, तो आपको सोशल मीडिया मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है बहुत से लोगों को। तो आप बन सकते हो, उसमें क्या है, आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। पहला कि आप जितने भी उसके सोशल हैंडल्स हैं लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वो सब अच्छे से संभाल पाओ, अच्छे से उस पर कंटेंट पोस्ट कर पाओ, लाइक उसकी इमेज उनको एडिट करके पोस्ट कर पाओ, अच्छे से टाइम टू टाइम उसकी स्टोरी को मेंटेन करो, कब क्या डालना है, कब क्या नहीं डालना है, पूरा उसको आपको मतलब एक तरीके से हेल्पर बनना है उसका। सिर्फ वो कंटेंट आपको देगा, उस कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने का काम आपका होगा, उसके सोशल मीडिया उसको हैंडल करना होता है, और ईमेल जब आए ब्रांड द्वारा तो उसकी ब्रांड की स्पॉन्सरशिप को दिलाना होता है बात करके, ठीक है। ये मीडिया डोमेन के अंतर्गत ये सारी स्किल्स थी, इनके अंदर आप यहाँ पे वीडियो एडिटर मेरी फेवरेट है, ग्राफिक डिजाइनर हो गया, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, वॉइस ओवर, ये सब आप बहुत ही मस्त ही आप सीख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं टीचिंग डोमेन पे। टीचिंग डोमेन के अंदर कम स्किल्स होती हैं पर अच्छी होती हैं। आप किसी भी पॉइंट पर एक लेक्चरर बन सकते हो, लेक्चरर मीन्स किसी भी फील्ड में आपको स्पेशल नॉलेज है, आप अपनी खुद की पेज या वेबसाइट बनाइए, यूट्यूब पे आइए, अगर कहीं कोई आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो यूट्यूब पे आके आप काम करिए, यूट्यूब पे आप लेक्चरर बनिए, किसी टॉपिक पे एक्सप्लेन कीजिए, टॉपिक को लार्ज टॉपिक को उसको ईजी बनाइए, कर सकते हो, ठीक है। डाउट सॉल्विंग, अब मान लीजिए बच्चे आजकल तैयारी कर रहे हैं बड़े बड़े एग्जाम्स की, लाइक JEE हो गया, CCC, मतलब हर तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, तो आप उन एग्ज़ाम्स के डाउट को सॉल्व करा सकते हो, जहाँ मतलब आप एक तरीके से फ्रीलांसर हो, उनके हेल्पर हो, और उसको जहाँ पे कोई डाउट आता है वो डायरेक्ट आपसे संपर्क करके, सर ये क्वेश्चन में डाउट है, आप उसको आंसर दे सकते हो। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारी आजकल कंपनीज काम कर रही हैं, बहुत सारे ऐप हैं, मैं उनका नाम ले लूँगा, जो डाउट सॉल्वर के वो रखती हैं और उनको डायरेक्ट कॉल करके डाउट सॉल्विंग किया जाता है, ठीक है। मैंने खुद इस चीज़ का यूज़ किया हुआ है। स्टडी मटेरियल, आप स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हो, लाइक आप मान लीजिए 12th के बच्चों के लिए नोट्स तैयार कर सकते हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF तैयार कर सकते हो, जो हर साल आते हैं क्वेश्चन उनको मतलब ऐसे सब आप मटेरियल तैयार करो, देन उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन, अगर आप अच्छे हेल्थ के बारे में थोड़ा सा आपने मतलब कहीं से डिग्री ले रखी या फिर आपको अच्छे से नॉलेज है, तब आप इस फील्ड में आइए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। हेल्थ की एजुकेशन ऐसे कोई नॉर्मल इंसान नहीं दे सकता है, आपको पता होना चाहिए क्या विटामिन्स होते हैं, क्या प्रोटीन्स होती है, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, सब डिटेल में जानते हो तब आप इसकी एजुकेशन दे सकते हो। बाकी बिना किसी चीज़ की जानकारी के, बिना किसी नॉलेज के आँख बंद करके तीर आपको नहीं मारना है, ये मैं साफ बताता हूँ। टारगेटेड एग्ज़ाम्स एजुकेटर, किसी भी टारगेट एग्ज़ाम को पकड़ लो, UPSC पकड़ लिया, UPSC के ऊपर आप पढ़ाओ कि यार क्या है कैसे है, मुझे तो इतनी नॉलेज UPSC से रिलेटेड नहीं है, पर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब आप पढ़ा सकते हो। यूट्यूब पे भी फ्री, जो हम लोग काम करते हैं ये भी एक तरीके से फ्रीलांसिंग का ही है, आप लोग मुझे पैसे देते हो, मैं आपको पढ़ाता हूँ, इस तरीके से यूट्यूब पे भी आप कर सकते हो, यूट्यूब द्वारा क्लाइंट्स पा सकते हो, मुझे काफ़ी सारे क्लाइंट तो यूट्यूब से डायरेक्ट मिल जाते हैं। अब मैं तो वैसे काम करता नहीं फ्रीलांसिंग का, पर जब मैं करता था तब मुझे डायरेक्ट क्लाइंट्स मिल जाते थे, ठीक है। योगा ट्रेनर में क्या होता है कि अगर आपको किसी भी मतलब योगा से रिलेटेड नॉलेज है कि कैसे कौन सा स्टेप होता है, लाइक रामदेव जी, तो आपको ऐसी नॉलेज है तो आप योगा ट्रेनिंग करा सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो इसके भी बहुत सारे स्कोप हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना होगा, आप योगा ट्रेनर बन सकते हो। ये टीचिंग के डोमेन थे। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कंसल्टेंट, और जनाब मैं आपको पर्टिकुलर एक एक नीश जो जो है स्किल है उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि कौन सी स्किल किस चीज़ के लिए बनी होती है, और बेसिक नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए, इसीलिए कंप्लीट कोर्स है आपका, ठीक है। अब ये आता है कंसल्टेंट के लिए बिजनेस एडवाइज़र, ठीक है। अब बिजनेस एडवाइज़र, आप लाइक डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को जानते हो, वो एक बिजनेस एडवाइज़र हैं, उनको बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप दूसरे को भी बता सकते हो वो अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है, मार्केट कैसे कर सकता है, सेल कैसे कर सकता है, सेलिंग के बारे में नॉलेज तो आप दे सकते हो। लीगल एडवाइज़र में आपका मान लीजिए कोई वकील है, कोई CA है, तो उनको अच्छे से नॉलेज होती है, तो वो
लीगल एडवाइजिंग कर सकते हैं। सीए का क्या काम होता है, सीए फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे होता है, ठीक है। आपका सीए जो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे होता है कि यार कौन सा पैसा कहाँ पे कैसे कर सकते हो, आज तक मतलब कहाँ पे कितना परसेंट मिल रहा है, शेयर मार्केट पे कितना मिलता है, एफडी पे कितना मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं इसके अंतर्गत। अगर आपको इन तीनों में से किसी पे भी नॉलेज है तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, पर इन तीनों के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको डिग्री की ज़रूरत होगी। डिग्री सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पूछेगा अगर बिजनेस एडवाइज़र हो तो कहाँ से सर्टिफाइड हो, मैं आपकी क्यों मानूँ, ठीक है। तो कुछ तो होना चाहिए, और लीगल एडवाइज़र में तो बिल्कुल ही होना चाहिए। अगर आप बिना डिग्री के यहाँ कुछ कर रहे हो तो आप खुद ही सही नहीं माने जाओगे, ठीक है। ऐसा अगर आपने लॉ की पढ़ाई नहीं कर रखी, आप किसी को लीगल दे भी नहीं सकते हो, किसी भी सलाह भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है, यहाँ पे भी आपको काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं डिग्री तो यहाँ सर्टिफिकेट चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज अधिकतर लोगों को अच्छी होती है जो इस फील्ड में होते हैं। मैंने YouTube पर भी बहुत से ऐसे यूट्यूबर देखे जिनको बहुत मस्त इस फील्ड में नॉलेज है और वो अच्छा समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कंसल्टेंट के अंदर का जितने भी स्किल्स होती हैं। फिलहाल आपको सीखना क्या है, टेक के अंदर या मीडिया के अंदर कोई भी दो तीन स्किल्स उठा लो, उसमें से सीख सकते हो जो आपकी फेवरेट हो। बाकी बुक के अंदर मैंने अलग अलग बताई हैं, टॉप 7 स्किल्स बताई हैं, उनमें से कोई एक सीख लोगे और उसके कोर्स भी लिंक दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, और कोई भी चार्ज नहीं लगना है, ना किसी बुक का ना किसी कोर्स का, सब फ्री मटेरियल है, आप लोगों के लिए प्रोवाइड है, ओके। अब यहाँ पे टाइम देर ना करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू लर्न। अगर मैं इतना सब कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ, सीखे कैसे, ठीक है। तो सीखने के लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ आज के समय में। सबसे पहला YouTube, जो कि सबसे मस्त मुझको लगता है। YouTube पे आपको क्या नहीं मिलेगा, कौन सा कोर्स है जो आपको मिलेगा नहीं, बस बात ये होती है कि अधिकतर कोर्स इंग्लिश में होते हैं और अधिकतर कोर्स हिंदी में होते हैं, तो उसमें समझाया बहुत फास्ट गया होता है, बस थोड़ा सा ये चीज़ कंप्रोमाइज़ करनी होती है, बाकी सब मिल जाता है यूट्यूब पे। मैंने खुद इतना सब कुछ सीखा यूट्यूब से, यूट्यूब के जरिए, कि आज मैं इस काबिल हूँ कि आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट्स, ठीक है। अब वेबसाइट्स भी बहुत तरीके होती हैं, कुछ फ्री होती हैं जो आपको फ्री में कोर्सेज देती हैं, कुछ पेड होती हैं, ठीक है। तो अब पहले YouTube की बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको ले चल रहा हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि YouTube पर सर्च कैसे की जाती हैं आपकी पर्टिकुलर कोर्सेज, ठीक है। कोई भी कोर्स आपको चाहिए तो कैसे सर्च करना है, तो चलते हैं अपने यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पे। बस आपको YouTube सबसे पहले खोल लेना होगा। YouTube खोलने के बाद में ऊपर सर्च बार में जाना है और जो भी कोर्स आपको चाहिए उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। मान लीजिए ऐप डेवलपमेंट का कोर्स चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐप डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको फुल कोर्स या कंप्लीट कोर्स लिख देना है, देन इसको सर्च कर देना है। जैसे इसको सर्च करते हो, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, देखिए आपके सामने सारे कोर्सेज यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए सबसे पहले ये कोर्स है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे 41 घंटे का है, इसमें ए टू जेड सारी चीज़ें समझा दी गई हैं। दूसरा ये कोर्स है जहाँ पर ये कोड विथ हैरी सर का है, इसमें आपको 11 घंटे में सारी चीज़ें समझा दी गई हैं। अगर आपको डायरेक्ट ऐसा कोई कोर्स यहाँ पर नहीं भी मिलता है तो आप यहाँ पर फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाइए। फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने यहाँ पे कोर्स सब आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए 139 वीडियोस में पूरा एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स बनाया गया है, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से कोई भी कोर्स को सर्च किया जाता है। तो आप शायद समझ गए होंगे अब कि कैसे आपको करना है सर्च। यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं आपको लेके गया था, बकायदा मैंने आपको बता दिया कि कैसे कोई कोर्स से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं वेबसाइट वाले टॉपिक पे कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करा रही हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको पेड में प्रोवाइड करा रही हैं, ठीक है। और किसी भी वेबसाइट ने एक रुपये भी मुझको नहीं दिए, सिर्फ आप लोग अच्छे से कहीं से कुछ सीख सकें, इसलिए मैं यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन इस कंप्लीट, देखिए कोई कंप्लीट चीज़ है ना तो उसके अंदर सारी चीज़ें मैं देता हूँ, ये मेरी आदत है, ओके। यहाँ पे वेबसाइट्स में आ गई हैं। सबसे पहले लर्न वन, ये आपकी जो वेबसाइट है बिल्कुल फ्री है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, लाइक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर पर्टिकुलर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, यहाँ पे कोर्स फ्री में मिल जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सिखाया गया है, मैंने इसको देखा था, ठीक है। ग्रेट लर्निंग नाम की जो आपकी ये वेबसाइट है, इसका ऐप भी होता है, तो ये भी आपको फ्री में सिखाते हैं, इनके ऊपर भी आपको फ्री में बढ़िया से बढ़िया कोर्स, क्वालिटी कोर्स मिल जाएंगे विदाउट कोई मनी। अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो उसका हो सकता है ये लोग पैसा मांगे, बाकी कोर्सेज का कोई पैसा नहीं लेते, मैंने खुद ट्राई किया है। अब यार जब मैं इस वीडियो को अभी शूट कर रहा हूँ, आने वाले 2-3 साल तक का, तो हो सकता है अब उसके साथ कभी अगर ये लोग कर देते चेंज, उसकी मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, पर अभी मैं जितना देख रहा हूँ उतना सही है, सब कुछ फ्री में आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं यहाँ पे तीसरे पे यूडीमी। यूडीमी में क्या होता है कि आपको कुछ पैसे लगते हैं, 400-500 रुपए के कोर्सेज होते हैं पर बढ़िया होते हैं। अगर आप यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हो उसके लिए यूडीमी बेस्ट है, ठीक है। बाकी मैं यार सही बताऊँ ना, प्रोग्रामिंग के लिए मुझे क्या लगता है, ये लोग यार सिखाते तो हैं पर कभी कभी समझ में नहीं आता है। प्रोग्रामिंग आप किसी यूट्यूबर से ही सीखो, चाहे मेरे चैनल को फॉलो करो या किसी अलग चैनल को फॉलो करो, वो लोग थोड़ा सही से समझाते हैं। ओके, कोर्सेरा पे जा सकते हो, ये भी पेड वेबसाइट है, यूडेमी भी पेड है और ये भी पेड है, ठीक है। इन दोनों पे अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं और आपके पॉकेट के हिसाब से, ठीक है। तो दो वेबसाइट मैंने आपको फ्री में बता दी, फ्री में जो कोर्स डालती हैं, दो आपको पेड में बता दी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, स्ट्रेटेजीज टू रीच क्लाइंट्स, ठीक है। अब क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए हम लोगों को क्लाइंट्स को लाने के लिए। अगर आप क्लाइंट्स ही नहीं ला पा रहे हो तो आप कमा नहीं पाओगे, अपनी स्किल्स का प्रदर्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो स्किल होती, सॉरी यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है, क्लाइंट रिकमेंडेशन। अगर आपने कभी किसी एक क्लाइंट के साथ काम किया है तो उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव करो, इतना अच्छा काम करो कि वो खुद सजेशन दे कि यार अब मुझे ये काम करना है तो मैं ये भी तुम्हीं से कराऊंगा, या फिर उसके किसी रिलेटिव को, उसके किसी फ्रेंड को काम करना है तो वो आप ही से कराने को सजेशन दे। मान लीजिए मैं पर्टिकुलर ये एक क्लाइंट है, मैंने इसका कुछ काम करके दिया है, ठीक है। अब मैंने इसका इतने अच्छे से काम कंप्लीट करके दिया, एट अ टाइम जितना उसने समय दिया तो उस टाइम पर मैंने काम कंप्लीट करके दिया कि ये मुझसे काफ़ी प्रभावित हो गया है। अब इसको जब कोई काम होगा तब भी ये मेरे पास चल के आएगा, या फिर इसके किसी फ्रेंड का, किसी रिलेटिव का, किसी भी मतलब जान परिचित का कोई काम होगा तो ये उनको सजेशन देगा कि आप मेरे पास आइए काम कराने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे से आपको रिलेशंस बनाने हैं, जिससे आपको क्लाइंट द्वारा भी रिकमेंडेशन मिलेंगे। शुरुआती क्लाइंट्स कहाँ से लाने वो देखिए, अभी मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, नीचे आता हूँ। पर्सनल फ्रेंड, अब मान लीजिए अगर आप अच्छे कहीं से रह रहे हैं, रूरल एरिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली जैसी जगहों में रह रहे हैं, तो आपकी फैमिली ऐसी होगी जो और भी मतलब आपकी फैमिली से रिलेटेड जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसी फील्ड में होंगे। मान लीजिए वो वीडियो प्रोडक्शन का काम करते हैं, कोई यूट्यूबर है, कोई इंस्टाग्रामर है, कोई कंटेंट राइटर है, तो वो भी आपको काम दिला सकता है। ये होता है कि आप फैमिली फ्रेंड्स या आपके फादर के जो फ्रेंड्स हैं वो अगर कहेंगे तो काम मिल जाएगा। मोस्टली कौन सा काम मिलता है, कंटेंट राइटिंग का मिल जाता है, वीडियो एडिटिंग का मिल जाता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का मिल जाता है, डाटा एंट्री का काम मिल जाता है। ये सब काम आपको फ्रीलांसिंग के जरिए फ्रेंड्स से मिल सकता है। दूसरा, एलुमनाई नेटवर्क, ठीक है। एलुमनाई नेटवर्क क्या होता है कि जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी IIT, NIT, किसी भी अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो, बिट्स प्लानिंग, तो यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही मजबूत होता है। यहाँ से डायरेक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं लोग काम करने के लिए, जो वहाँ के ओल्ड विद्यार्थी होते हैं, जो वहाँ से पास आउट होते हैं, ठीक है। तो उनसे आप अच्छा नेटवर्क बनाओ, जितना अच्छा नेटवर्क आपका होगा उतना ही ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे। और जब आप देखिए यहाँ से 18 से लेकर 25 की एज में जितना हो सके उतना अपना अच्छा नेटवर्क बना के रखो अच्छे अच्छे लोगों से, कि वो जहाँ जहाँ पर हों वहाँ वहाँ से आपको प्रॉफिट हो, ठीक है। तो एलुमनाई नेटवर्क से आपका काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स आ जाएंगे। अब ये सब थी जो चलन सारी काम है, आ भी सकते नहीं भी आ सकते, पर अब मैं बताऊँ ये वाले पॉइंट से, तो यहाँ पे आपको सोशल मीडिया FB पेजेस से काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। कैसे, किसी कंपनी के पर्टिकुलर पेजेस हो सकते हैं, वहाँ से आप बात कर सकते हो कि यार सर आपकी वेबसाइट मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रही है, फिर प्रॉब्लम कर रही, क्या मैं आपकी वेबसाइट का रीडिजाइन कर सकता हूँ। इस तरीके आप ईमेल करके उनसे डायरेक्ट आप काम ले सकते हो। यहाँ पे लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन तो सबसे ज़्यादा यार मैं आपको कहूँ तो इस समय अगर आप लिंक्डइन पे काम नहीं कर रहे हो तो बेकार है। आप लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, वहाँ से जितने काम मिलते हैं ना कहीं से नहीं मिल सकते हैं। बड़े बड़े कंपनीज के जो HR होते हैं या फिर जो भी काम कराने वाले होते हैं वो आपके आते हैं, और अगर आपने अपना काम वहाँ पे शो कर रखा अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर, तो आपकी एक प्रोफाइल एक नज़र में अगर बताती है कि आप किस चीज़ के लिए बने हो तो मस्त है फिर, ठीक है ना। अब मैंने भी लिंक्डइन पे आज कल मैं अकाउंट बना दिया था, मतलब आजकल नहीं काफ़ी पहले अकाउंट बना दिया था, पर मैं थोड़ा पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इधर यार यूट्यूब पे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। जब यहाँ से थोड़ा यहाँ पे टाइम मिलेगा तब मैं वहाँ पे जाकर कंटेंट अपना पोस्ट करूँगा और बताऊँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैं अपने बारे में लिंक्डइन पे पोस्ट करा करूँगा। अगर आप जानना चाहो तो मुझे लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, शायद मेरा शुभम पांडे नाम से अकाउंट बना हुआ है, मेरी फ़ोटो भी लगी है, ठीक है। अब लिंक्डइन पे आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद में अगर सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स कहीं से आपको मिलते हैं तो थ्रू अ वेबसाइट। मैं आपको भी कुछ वेबसाइट्स बताऊँगा जहाँ से आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। पर आपको वहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ।
ठीक है। देखिए जैसे कि क्लाइंट्स आएंगे तो बहुत ज़्यादा, मान लीजिए हज़ारों तादाद में, क्योंकि वेबसाइट ही फ्रीलांसिंग के लिए बनी हुई है, पर आपको उनको क्लाइंट्स को कैसे पकड़ना है ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। हर क्लाइंट्स आपको काम नहीं देगा, क्योंकि आप वहाँ पे पहले से कर नहीं रहे थे ना, आपके पास कोई रिव्यू है ना रेटिंग है, तो वो सब चीज़ें आगे समझने में आएंगी आपको। अब बात कर लेते हैं कोल्ड ईमेल्स, ये क्या होता है, इससे सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं। अगर वेबसाइट के बाद मैं बात करूँ कि क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं, तो ईमेल द्वारा आप ले सकते हो। अब आप कैसे ले सकते हो उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मैं वीडियो एडिटर हूँ, ठीक, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई काम दे जिससे मुझे पैसे मिले, मैं ज्यूम करके चलता हूँ, तो मैं सोचूंगा, पहले ढूंढूंगा कि मैं किस टाइप की वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ। लाइक मैं एजुकेशनल वीडियोस जो होती हैं उनको अच्छे से एडिट कर लेता हूँ। अगर आप कॉमेडी वीडियो को अच्छे से एडिट कर लेते हो तो कॉमेडी वीडियोस के ऑडियंस को टारगेट कीजिए। अब मैं एजुकेशनल वीडियो को अच्छे से एडिट कर लेता हूँ, तो मैं यूट्यूब पर सबसे पहले उन चैनल्स को ढूंढूंगा जो एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। अब उनका देखेंगे कि क्या ये वीडियो बनाते हैं, इनकी वीडियो एडिटिंग कौन कर रहा है, कैसी है, या फिर ये खुद कर रहे हैं, सबको मैं नोट डाउन कर लूँगा। आपको प्रॉपर डिटेल में डायरी लेनी होती है, सब इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है हर किसी के बारे में। अब आप एक एक बंदे को वहाँ पर पहले टारगेट कीजिए। मान लीजिए पहले क्लाइंट को मैंने टारगेट किया जिसका चैनल है, मैंने देखा इसकी वीडियो उतनी अच्छी एडिट नहीं है, मैंने एक वीडियो उठाई, एडिट करी और उसको ईमेल किया। अब कोल्ड ईमेल को हम लोग डिटेल में यहाँ समझते हैं कि किस तरीके किया जाता है। अभी मैंने ऑडियंस को पकड़ लिया कि ये 10 चैनल है, 10 चैनल पर ये मेरी एजुकेशनल वीडियोज़ आती हैं, इनको मुझे टारगेट करना है। अब किस तरीके टारगेट करेंगे ये समझते हैं। कोल्ड ईमेल्स में सबसे पहले एक ईमेल लिखेंगे, पर्सनलाइज्ड ईमेल। पर्सनलाइज्ड ईमेल क्या होता है कि लाइक अगर आप मुझे टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो पहले आप मेरे बारे में सब चीज़ें जानो कि मैं क्या बनाता हूँ। मैं एजुकेशन वीडियो के अंदर क्या बनाता हूँ, मैं कोडिंग वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो आप मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लो। उसी के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको ईमेल में लिखना होगा कि सर आप ये वीडियो बनाते हैं, आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी होती है, इस तरीके से मैं इसमें और इन्हेंस कर सकता हूँ, आपकी वीडियो क्वालिटी और बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और समझो दूसरा, देखिए पर्सनलाइज्ड ईमेल समझ गए, अब बी प्रिसाइज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको मतलब लिखना नहीं होता है, कम से कम 10-15 लाइन, 30 लाइन, 35 लाइन, 30-35 लाइन के अंदर, हम तो कहेंगे ना 20 लाइन के अंदर ऐसा लिख दो कि एक नज़र में इंसान कैच कर जाए और आपको काम मिल जाए, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर साथ हर एक बार सही होगा कि आपने एक ही बंदे को भेजा एक ही बंदे के साथ काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पर जिसको भी भेजो वो एक बार पढ़े जरूरी ईमेल, ठीक है, मिस ना करे। इतना कैची ईमेल लिखो 15-20 लाइन, उसी के बारे में उसी को मतलब बिल्कुल टारगेट कर दो कि वो क्या करता है, कैसे करता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसको मोह लो अपने जाल में, ठीक है। इस तरीके से कैची सा ईमेल लिखो, और ईमेल लिखने के बाद में सबसे पहले पैसे की बात मत करो, पहले खुद कुछ उसको वैल्यू दो, फर्स्ट गिव वैल्यू फर्स्ट, पहले कुछ उसको वैल्यू दो, देन वो आपको काम देगा, ठीक है। वैल्यू में क्या दे सकते हैं, क्या हम लोग दे सकते हैं, तो अगर मान लीजिए मैं किसी के टारगेट को कर रहा हूँ, मान लीजिए ये बंदा है जो एजुकेशनल वीडियो बनाता है फिजिक्स की, इंग्लिश की, मैंने उसकी एक वीडियो ली, बढ़िया से एडिट किया जितना मैं अच्छे से एडिट कर सकता था, पूरा एडिट करने के बाद गूगल ड्राइव पर डाला, उसकी लिंक कॉपी की और ईमेल के साथ मैंने अटैच कर दिया, और मैंने कहा सर आप बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं, पर क्या आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ जिससे आप अपने सिर्फ काम पर फोकस कर सकें और मैं आपकी वीडियोज़ को एडिट करके आपकी हेल्प करूँ आपके कंटेंट को और इन्हेंस करने में। मैंने आपके लिए कुछ वीडियोज़ एडिट की हैं, आपको एक या दो वीडियो की डिस्क्रिप्शन सॉरी ईमेल में लिंक दे देनी है, जिससे वो देखेगा कहेगा यार बंदे ने मेरे लिए दो वीडियो फ्री में एडिट कर दी, क्या बंदा है यार और कितना अच्छा एडिट किया है। तो हो सकता है कि अभी नहीं पर वो बाद में आपको काम दे दे, तो इसलिए आपको वैल्यू देनी है और उसमें आपको चूकना नहीं है। ऐसे कर मतलब एक बंदे के साथ आपने किया, जरूरी नहीं वो एक बंदा आपको काम दे दे, आपको ऐसे कम से कम 50 लोगों के साथ करना है, ठीक है। 50 लोगों के बारे में पूरी डिटेल निकालनी है, एक डायरी है, एक रजिस्टर में आपको लिख लेना है पूरी डिटेल्स, क्या है, कितने चैनल है, कितनी वीडियो डल रखी है, किस टाइप की वीडियो है, किस टाइप की एडिटिंग करते हैं, थंबनेल कैसा है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग है तो आप थंबनेल का बनाकर उसको दे सकते हैं कि सर मैंने ये थंबनेल बनाई है, आप मुझे क्या ग्राफिक डिजाइनिंग का काम देंगे, उसके चैनल आर्ट को बना सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आप ये समझो कि इसके बारे में पूरी 50 लोगों के बारे लोगों की डिटेल निकालना है, फिर उनकी वीडियोस को मान लीजिए पर्टिकुलर एक बंदे की एक वीडियो ली,
उसको अच्छे से एडिट किया, अप्रोच किया, हो सकता है काम ना बने। दूसरे करो, ऐसे करते करते जब आप 20-22 लोगों को करोगे ना, तो कम से कम 2-4 लोगों का तो रिप्लाई आएगा तो आएगा। और जब 2-4 लोगों का रिप्लाई, मान लीजिए ज़्यादा नहीं 5 लोगों का रिप्लाई आया, मैंने 25 लोगों के लिए वीडियो एडिट करी, 25 वीडियो एडिट करके 25 लोगों को पर्सनलाइज ईमेल भेजा, जिसमें से 5 लोगों ने मुझे रिप्लाई दिया। अब 5 में से हो सकता है 2 लोगों ने कहा हो गुड, अच्छा काम कर रहे हो, पर 3 लोगों ने मुझसे कहा हो कि काम अच्छा कर रहे हो पर मेरे लिए करो, तो 3 क्लाइंट आपको मिल गए। अब वो 3 क्लाइंट अगर आपको कुछ नहीं, मैं अगर मान के चलूँ 5,000 रुपये भी देते हैं, ठीक है, या पर क्लाइंट आपको 5,000 रुपये मिलते हैं, तो आपके 3 क्लाइंट 15,000 रुपये देंगे, और 15,000 रुपये पर मंथ का मिलेगा अभी के लिए आपके लिए अच्छा है। अब आप वो 3 क्लाइंट के जरिए और 3 के पास पहुंच सकते हो। जब आप उनके साथ कुछ समय के लिए काम करोगे, मान लीजिए आपने साल 1.5 साल काम किया, तो आप उनसे कहोगे सर मुझे थोड़ा प्रमोट कीजिए, सर और अगर आपके फ्रेंड्स या कोई आपके नेटवर्क में हो तो उनको भी सजेशन दीजिए। एक यूट्यूबर ने आपसे काम कराया, वो दूसरे यूट्यूबर को बताएगा, दूसरा आपसे काम कराएगा, वो तीसरे यूट्यूबर को बताएगा, तीसरा आपसे काम कराएगा। तो इस तरीके से आप जो वीडियो एडिटिंग स्किल थी वो लोगों तक पहुँचेगी, 50 लोगों तक बात जाएगी, 25 तो हाथ में आएंगे, और 25 ने अगर 1,000 रुपये भी दिया तो 25,000 आप कमा लोगे। ये होता है स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब ये देखो कि मैंने यहाँ पे लिखा है अप्रोच मैनी पीपल, ठीक है, तो यहाँ पे समझो यार 1-2 लोगों से बात नहीं बनेगी। मैंने 50 का उदाहरण दिया है, ये 100 भी हो सकते थे, पर 100 होने के बाद में ना आपके अंदर वो दम आ जाएगी कि आप लोगों से बात कर सकोगे, लोगों को हैंडल कर सकोगे। तो ऐसा नहीं कि अगर आप इतने लोगों 100 लोगों को अप्रोच करोगे तो आपको 100 में से 10 लोग भी रिप्लाई नहीं देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो करना है। और एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि मान लीजिए एक बार आपने मुझको ईमेल कर दिया अच्छे से वीडियो करके, बढ़िया एडिट करके, और मैंने नहीं देखा क्योंकि मेरा बिजी शेड्यूल था, हट गई या चली गई या फिर जंक फाइल में चली जाती, स्पैम फोल्डर में चली जाती कभी कभी ईमेल, मैंने नहीं देखा। आपने सोचा यार इसने देखा नहीं, हटाओ, दूसरे को ट्राई करते हैं। आपको कम से कम एक इंसान को 3-4 बार वो ईमेल सेम भेजनी होती है, ठीक है, अगेन सेंड आफ्टर अ डे, एक दिन या 2 दिन के अंतराल में 3-4 बार उसको ईमेल भेजो, जिससे वो कम से कम देख सके, नहीं तो हफ्ते भर के अंतराल में भेज दो। ये नहीं कि मान लो आपने एक बार भेज दिया, हो सकता है वो ईमेल कहीं चली गई हो और कोई देख ही ना पाए, इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट पूरा कोल्ड ईमेल्स का मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। अब आते हैं रिव्यूज़ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अब मैं आपको किसी वेबसाइट पर भी ले जाऊंगा, वेबसाइट के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वर्क करना है। पर आप कोई वहाँ पे क्लाइंट्स देखिए, कोई भी वेबसाइट के अंदर जाओगे वहाँ लाखों क्लाइंट्स पर डे आते हैं काम कराने के लिए। आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, हज़ारों लोग वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, पर वो आप ही के पास क्यों आएगा? कुछ तो रीज़न दो उसको कि आपके पास आए, ठीक है, तो वो रीज़न्स में क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला आप उसको अपने जब भी काम आपने पहले कर रखे हैं लोगों के लिए या फिर नहीं भी किए हैं तो खुद कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ। लाइक मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मैं 5-10 वीडियो अपने लिए एडिट करूंगा और उनको एज अ टेस्टिमोनियल अपनी वहाँ पे, जहाँ पे मैं अपना अकाउंट बनाऊंगा वहाँ पर डाल के रखूंगा कि मैं ऐसी ऐसी वीडियो एडिट कर लेता हूँ। अलग अलग टाइप की गेमिंग के लिए एडिट करोगे और म्यूज़िक के लिए एडिट करो, जो म्यूज़िक एल्बम होती हैं, तो 4-5 वीडियो एडिट करो, ठीक है। उसके बाद जो पिछले क्लाइंट्स थे उन्होंने आपको जो फीडबैक दिया है कि भाई बहुत गजब क्या काम किया है, ऑसम काम किया, वो ईमेल लो, उसको वहाँ पे टेस्टिमोनियल्स के तौर पे डाल दो, ठीक है। एज अ मतलब आपको शो करना है कि क्या काम किया है, आपको क्या फीडबैक मिला है लोगों की तरफ से, प्लस आपके मान लीजिए आपने ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हो, आप अच्छी फोटो एडिट कर लेते हो, तो आप अपने इंस्टाग्राम पेज पर क्यों नहीं डाल रहे हो उसको डालो, फेसबुक पेज पे क्यों नहीं डालो उसको डालो, अपनी चीज़ों को इंस्टाग्राम पे डाल के, फेसबुक पे डाल के वहाँ पे मेंशन करो कि मेरी सोशल मीडिया आप चेकआउट कर सकते हो, मैं ये काम कर लेता हूँ, ठीक है। प्लस मेंशन योर पेज, आप वेब डेवलपर हो, आपको खुद का कोई पेज नहीं बना है, आप एक पेज बनाओ या गिटहब बनाओ, उसके अंदर अपने सारे प्रोजेक्ट्स डालो, मैंने ये टाइप की वेबसाइट बना रखी है, आप इनको चेकआउट कर सकते हो। प्रोजेक्ट्स मेंशन नहीं करोगे, कोई अपनी खुद की वेबसाइट नहीं बनाओगे, और आप कोडिंग के लिए जॉब मतलब कोडिंग के लिए वहाँ पे किसी से क्लाइंट ले रहे हो, क्लाइंट के पास काम करने जा रहे हो, क्या फ़ायदा? खुद का कुछ बनाओ। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक रिज्यूमे बनाओ, ठीक है। रिज्यूमे बहुत से लोग क्या होता है, सिंपल बनाते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे गए या फिर पिक्सल लैब पे गए, पिक्सल आर्ट पे गए, फोटोशॉप पे गए, कहीं से बना लिए इधर उधर से। पर अगर आप उसी चीज़ को किसी एक वेबसाइट, मान लीजिए आप वेब डिज़ाइनर हो तो वेबसाइट के अंदर डालते हो, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, लोगों को दिखेगा कि हाँ यार इसने काम किया है अगले बंदे ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं परफेक्ट टाइमिंग रखो। अगर मैंने आपसे कहा भाई मुझे परसों वीडियो चाहिए,
एडिट करके, तो आप परसों के बजाय कल ही दे दो तो आपको जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्शन जाएगा लोगों का, यार इस इंसान से मैंने परसों वीडियो मांगी थी इसने कल ही दे दी, वाह इसी को काम दूंगा मैं। जब ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी हो ना 400-500 लोगों की, तो वहाँ सबसे अलग दिखने की कोशिश करो। अलग कैसे दिख सकते हो, या तो अपने रेट थोड़ा कम करो, रेट कम करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में क्योंकि आपके पास अभी कोई रिव्यू नहीं है, कोई रेटिंग नहीं है, कोई अभी आपको जानता नहीं, आप नए आए हो, या फिर एट दैट टाइम पे आपको काम कंप्लीट करके दे सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको अपने दिमाग से लाने, एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपको सीख नहीं जाओगे, धीरे धीरे ही चीज़ें आपको आएंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये पॉइंट नोटिस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो मिस ना करना। अगर फ्रीलांसिंग की दुनिया में आ रहे हो तो ये दो पॉइंट आपको बिल्कुल घोर के पी लेने हैं। पहला पेशेंस धैर्य, दूसरा परसिस्टेंस अटलता, ठीक है। परसिस्टेंस की बहुत से लोग मीनिंग नहीं जानते हैं, इसकी मीनिंग होती है अटलता, टिके रहना, टिकाऊ बनना, कि एक काम से मैं निडग नहीं हूँगा, इस पर करता रहूँगा, बार बार प्रयास करूँगा, तो एक जगह टिक जाना, अटलता, परसिस्टेंस, ओके। तो जिस इंसान के अंदर ये दो चीज़ें नहीं, पेशेंस है परसिस्टेंस, वो कर ही नहीं सकता है फ्रीलांसिंग। पेशेंस माने धैर्य, अगर मान लो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, काम कर रहे हो, आपको उतना क्लाइंट नहीं मिल रहा है, आप छोड़ दोगे, नहीं हो पाएगा। धैर्य रखो, चीज़ों को समझो कि क्यों वो लोगों के, दूसरे लोग के पास जा रहे हैं पर मेरे पास नहीं आ रहे हैं, क्यों एक दूसरा क्रिएटर है जो उसके पास जा रहा है पर मेरे पास नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप ही की वेबसाइट, मतलब आप कहीं पर रजिस्टर्ड करते हो, अभी जो वेबसाइट्स बताऊंगा वहाँ पर दूसरों को काम मिल रहा है पर आपको नहीं मिल रहा है, वजह क्या हो सकती है, या तो आपका काम उतना अच्छा नहीं है, या तो आपने अपना पोर्टफोलियो को मेंटेन नहीं कर रखा है, अपने रिव्यू वाला सेक्शन जो मैंने यहाँ पर समझाया है इसमें आप कोई गलती कर रहे हो, यहाँ इस वाले सेक्शन में इनमें से कोई पॉइंट आपने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो हर चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि क्या चीज़ हो सकती है कि जो दूसरे को काम मिल रहा है मेरे को ही नहीं मिल रहा है, कुछ तो रीज़न होंगे। परसिस्टेंस इसलिए कि आपको काम करते जाना है कंसिस्टेंसी के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिसिप्लिन से आप कंसिस्टेंसी आती है, कंसिस्टेंसी से आप परसिस्टेंस बनते हो, तो ये सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब क्या है, टॉप प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं फ्रीलांसिंग के लिए। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो टॉप प्लेटफॉर्म्स आपके लिए हैं सबसे बढ़िया फाइवर। मैंने फाइवर पे खुद काम किया है, पर अब मैंने शायद अकाउंट डिलीट किया है, फिर पता नहीं पड़ा है, मुझे कंफर्म नहीं है, पर फाइवर पे मैंने काम किया है, कुछ क्लाइंट्स हैंडल किए हैं। बाकी मेरा यूट्यूब से बहुत क्लाइंट्स मिलते थे, इससे पहले भी मेरा एक चैनल था, मैंने अभी आपको डिटेल में उसके बारे में बताया नहीं है, वहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स थे, वहाँ से मुझे काम मिल जाता था। दूसरा अपवर्क, ये जो ऊपर की वेबसाइट देख लो, फाइवर अपवर्क, ये टॉप पे है और ये फ्रीलांसिंग ये टॉप पे है, आप इनको टॉप पे मान सकते हो, ठीक है। फ्रीलांसिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर। और अभी मैं आपको फाइवर पे ले चलूँगा, यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, अकाउंट के साथ में किस तरीके अकाउंट बनाया जाता है, उसकी क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, क्या चीज़ें वहाँ पे आपको ध्यान रखना है जिससे क्लाइंट आपके पास आए, ये सब चीज़ें अभी प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा वीडियो के आगे। तो वीडियो तो लंबी है पर अच्छे से समझ में आएगा, ओके। अपवर्क और फ्रीलांसर पे आप सेम काम कर सकते हो फाइवर में, जैसे मैं बताऊंगा। ये क्या है, पेपर कंटेंट, ये किन लोगों के लिए है, ये जनाब उन लोगों के लिए जिनको कंटेंट राइटिंग अच्छे से आती है। कंटेंट राइटिंग अच्छे से आने का मतलब है प्रोफेशनल हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको काम तो बहुत मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपकी भीड़ नहीं है उतनी, ठीक है, भीड़ नहीं है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रोफेशनल हो तभी जाना। अगर कंटेंट राइटिंग में बढ़िया स्किल है आपकी, बहुत दबा के लिख लेते हो, यहाँ पे जाओ पैसे भी पेल के मिलेंगे आपको और आपको यहाँ पे अच्छे से काम भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक, क्लियर। अब आते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आप क्लाइंट से बात कर रहे होते हो, उसकी बातों को समझ रहे होते हो, और कम्युनिकेशन में ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक अपनी बात रखना, एक सामने वाली बात समझना और उस बात पे एक्शन लेना, ठीक है। तो उसके लिए क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तीन पॉइंट होते हैं उसके लिए। सबसे पहले आपकी इंग्लिश गुड होनी चाहिए। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप फॉरेन अंग्रेज बन जाओ कि ट्यूम्यू इंग्लिश बोल रहे हो, ज़रूरी नहीं है। आपको इंग्लिश उतनी आनी चाहिए कि आप अपनी बात अच्छे से समझा पाओ और उसकी अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि क्लाइंट आपका इंडिया के भी हो सकता है, नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी आप काम करा सकता है, क्योंकि जब बाहर के क्लाइंट्स को आप अप्रोच करोगे ना बाद में तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा, वो डॉलर में पेमेंट करते हैं और बाहर के क्लाइंट्स आपकी मेहनत को भी ज़्यादा समझते हैं तो अच्छा पैसा दे पाते हैं। उसके बाद इंग्लिश अच्छी के लिए क्लेवरनेस, आपको अपनी बातों में उसको फंसाना आना चाहिए कि सर आप क्या चाहते हैं, ये तो मैं ऐसे कर लूँगा,
अच्छा ये काम मैं आपको इतने ही कम समय में, आप 5 दिन करो मैं आपको 4 दिन में दे दूंगा, अच्छा आप $300 करो मैं 250 में करके दे दूंगा, अच्छा ये भी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्लेवरनेस होनी चाहिए कि किस तरीके किसी बात को मुझे रिझाना है, किस तरीके किसी चीज़ को अपनी बात में फंसाना है, ठीक है। आप सबसे लास्ट पॉइंट, बी पोलाइट, हमेशा पोलाइट रहिए, सबसे प्रेम से बात करिए, अच्छे से बात करिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जनाब कहीं पे भी रूडली हो जाते हो कि कोई क्लाइंट है उसने आपसे वेबसाइट बनवाई और वो 5 बार आपको बता देता है ये चेंज कर दो, नहीं ये चेंज कर दो, नहीं वो चेंज कर दो, नहीं वो चेंज कर दो, आप क्या ये क्यों कह दिया भाई, 1 बार करूँगा, 2 बार करूँगा, 5 बार नहीं करूँगा, आप रूडली हो जाओगे, वो आपको दोबारा काम नहीं देगा, और अगर उससे कोई और पूछता है तो वो आपका रिकमेंडेशन नहीं देगा। पोलाइट रहो, पहले ही सारा एग्रीमेंट कर लो कि यार आप 5-6 बार चेंजमेंट कराओगे कर दूंगा, पर मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, सारी बातें पहले ही हम लोग सेट कर लेते हैं फ्रीलांसर्स वाले, उसके बाद आप काम करके दो, अच्छे से बात करो, वो आपको और रिकमेंडेशन सजेशंस देगा, ओके। तो ये चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, ठीक। अब बात करते हैं हाउ टू कोट, मतलब एक तरीके से बोली कैसे लगाएं, पैसे कैसे मांगे, कितना मतलब दाम सेट करें, ये चीज़, ठीक है। तो दाम किस तरीके सेट होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसका कितना मिलेगा, किस फैक्टर्स होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, उनके बेस पे आपको पैसा मिलेगा। पहला स्किल्स, आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, मीडियम लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो, किस लेवल पे हो, आप खुद जानते हो, आप काम कैसा करके दे सकते हो, उस तरीके आपको पैसे मांगने। दूसरा, काम करते करते आपने कितना टाइम दे रखा है, ठीक है, एक्सपीरियंस जो होता है, और टाइम का मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा इसलिए है, किसी ने आपसे 5 दिन कहा और आप उसको 2 दिन में अगर काम करके दोगे तो पैसा भी तो ज़्यादा मिल सकता है। अगर कोई हड़बड़ाया हुआ क्लाइंट है, भाई मुझे 5 दिन में काम चाहिए, कह दो मैं 2 दिन में दे दूंगा, पर 100 की बजाय $150 लूँगा, पैसा मिल जाएगा। तो ये फैक्टर्स हैं, ये जब धीरे धीरे काम करोगे तब समझ में आएगा, एक दिन में एक वीडियो के अंदर समझ तो सकते हो पर उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब यहाँ आते हैं रेटिंग ऑफ योर ओल्ड क्लाइंट्स, आपके पास कितनी रेटिंग है, आप 5-स्टार फ्रीलांसर हो, 4-स्टार फ्रीलांसर हो, 3-स्टार फ्रीलांसर हो, कितने स्टार फ्रीलांसर हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ओके। तो ये सब फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद ये एक पॉइंट आता है, हाउ मच वर्क हैव यू डन, ये एक्सपीरियंस है, मैंने कितने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर रखे हैं, 1, 2, 3, 4, अब मान लिया आपने 50 प्रोजेक्ट्स पहले कर रखे हैं, तो जब आपने स्टार्ट किया था तब आप किसी से $20 पर वेबसाइट बनाने के लिए लेते थे, ठीक है। पर अब आप क्या है कि आपने 50 वर्क कर रखा, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, प्लस आपके पास ओल्ड क्लाइंट्स की रेटिंग्स भी ज़्यादा है, पहले आप मान लीजिए स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, अब आपके पास 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार की रेटिंग है, तो अब आप उससे 20 की बजाय $50-60 ले सकते हो पर वेबसाइट पे। मैं यहाँ पे पैसे की नहीं बता रहा हूँ, पर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, $50-60 ले सकते हो। अगर आपके पास 5 स्टार आ चुके हैं तो फिर आप $100-150 भी ले सकते हो। तो ये आपके ओल्ड क्लाइंट्स कितना रेटिंग दे चुके हैं, कितना अच्छा आपको फीडबैक मिला है, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी अच्छी स्किल्स हैं, कितने समय पर काम करके दे रहे हो, ये सब फैक्टर्स मायने रखते हैं किसी से उतना दाम लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डील क्लोजिंग, किसी के साथ डील कैसे क्लोज करें, यहाँ पे डिटेल में आपको समझाना चाहूँगा। देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं कि हाउ टू डील इन वेबसाइट, अगर आप फाइवर अपवर्क फ्रीलांसर पे काम कर रहे हो, मैं मान लेता हूँ कि आप फाइवर पे हो एज अ वीडियो एडिटर, ठीक है, आप फाइवर पे हो एज अ वीडियो एडिटर, ये आप हो वीडियो एडिट करते हो, ये मैं हूँ, ठीक है। मैं फाइवर पे आया और मैंने आपके पास मतलब आपके अकाउंट देखा, आपका टेस्टिमोनियल्स चेक किया, आया ठीक है यार अच्छा है, आपने काम अच्छा कर रखा है, ठीक है। आपको वहाँ पे मैंने मतलब ऑप्शन होता है और वहाँ पे मैंने एक तरीके से ऑप्शन पे सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद में जैसे हम लोग अमेजोन पे प्रोडक्ट प्लेस करते हैं वैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद मुझे पेमेंट करना होता है कि मान लीजिए जितना आपकी फ़ीस है वो मैंने पे कर दी, पर वो फ़ीस अभी आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। मैंने तो फीस पे करी फाइवर पे, पर आपके पास नहीं आएगी, पर आप ये देख लो कि हाँ ऑर्डर प्लेस हो गया है, आपकी बात हो गई है, तो ऑर्डर प्लेस होने का मतलब है कि आप पैसे आपको मिल जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि वो फाइवर के पास आ चुके हैं, फाइवर वेबसाइट के पास, ठीक है। अब आपको काम करके क्लाइंट को देना है, जब आप काम करके क्लाइंट को दे देते हो तो वो जो फाइवर को मैंने पैसे दिए थे उसमें से 20% कट जाता है, 100% में 20% कटेगा, 1000 रुपये मिलते हैं तो 200 कट जाएंगे और 800 रुपये आपको मिल जाएंगे। फिर समझा देता हूँ, मैं आया, मैंने आपका अकाउंट चेक किया, मुझे सब कुछ समझ में आया, मैंने ऐप पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद में मैंने पैसे दे दिए फाइवर को
1000 रुपये, ठीक है। अब वो आपने काम करके जब मुझे दे दिया तो आपको 800 रुपये फाइवर ने दे दिए। इससे क्या होता है, आपको भी तसल्ली होती है और मुझे भी तसल्ली होती है कि मुझे काम मिल जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा लोग दिमाग लगाते हैं कि जो आपका 20% कट रहा है तो आप वहाँ पर लिखने लगते हो कि नहीं यार यहाँ पर नहीं, वहाँ पर आ जाओ, ईमेल आईडी देता हूँ, वहाँ पर पेमेंट कर देना, UPI वाले कर देना, ऐसे नंबर देते हो कर देना। फाइबर आपको तुरंत पकड़ लेगा। फाइबर के अंदर ऐसे एल्गोरिथम्स लगे हैं, जैसे आप @ या फिर कोई नंबर टाइप करते हो कैश कर लेता है कि आपको अलग पेमेंट मेथड दे रहे हो। और अगर आप सोचते हो कहीं बाहर से पेमेंट ले लें और वहाँ से ना लें, उनका 20% ना दें, तो अब आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों, आपका कोई अकाउंट है जिसमें आपने 50 क्लाइंट्स के साथ काम कर रखा है, 5-स्टार रेटिंग है और आप पर डे का क्लाइंट आपको वहाँ पे मिलने लगा है अच्छे से, पर अगर आप बाहरी पेमेंट ले रहे हो, जिस दिन फाइबर ने आपको बैन कर दिया पूरा अकाउंट डिसमिस हो जाएगा, नए तरीके से अकाउंट बनाना पड़ेगा, दोबारा सारा काम करना पड़ेगा। उस अकाउंट की कीमत अपनी समझो जिसमें ऑलरेडी इतने स्टार हैं, ऑलरेडी आप इतना काम कर चुके हो, वहाँ पे आपने अच्छा फीडबैक शो कर रखा है और आपको फिर क्लाइंट्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए वहाँ पे अगर आपको बैन नहीं होना है तो कभी भी बाहर से पेमेंट लेने का कोई मेथड मत बताना, वहीं से लो, अपना जेन्युइन चीज़ रहेगी, 20% उनका काटने दो, अपना 800 रुपये रख लो अपनी मेहनत का, ओके। यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल दिया, तो ये समझो ये था आपकी वेबसाइट के अंदर। अब आप मान लीजिए आपको कहीं बाहर से कोई क्लाइंट मिल जाता है, लाइक यूट्यूब से या लिंक्डइन से कोई क्लाइंट मिला मेरे को, ठीक है। तो उस क्लाइंट को मैं पहले ही सारी चीज़ें बता दूंगा, एक एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस एग्रीमेंट में सारी बातें पहले लिख दी जाती हैं कि सर मैं आपका कोई भी वेबसाइट अगर बना के देता हूं तो मैं आपकी 5 बार केवल चेंजमेंट करूंगा, 5 बार के बाद मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भी अपना टाइम है और टाइम की वैल्यू होती है। अगर आपको कोई भी चेंजमेंट कराना है तो 5 बार सिर्फ करा सकते हो, ठीक है। पूरा एग्रीमेंट रेडी हो गया, पैसे की बात हो गई, अब मैंने उसको दे दिया, उसने साइन, अपने साइन हो गए, ठीक है। अब मैंने काम किया और हमेशा वहाँ पहले तय कर दो कि इतना काम होने के बाद इतने पैसे मैं ले लूंगा, देन आपको पूरा काम सबमिट करूंगा। कभी भी ये नहीं करना है कि पूरा काम आपने करके दे दिया, बाद में वो आपको पैसे के लिए टरका रहा है, अभी नहीं बाद में नहीं, कल नहीं परसों। तो आपको एग्रीमेंट में सारी बातें लिख लेनी होती हैं, ठीक है। अब ये समझो कि इतना हो गया, अब आते हैं पेमेंट पे, कि मान लीजिए बाहर से आप पेमेंट ले रहे हो तो कैसे ले सकते हो। अगर वो नेशनल लेवल पे कोई क्लाइंट है, मतलब इंडिया के अंदर का कोई क्लाइंट है, तो आप यहाँ पर रिजर्व पे, ठीक है, यही एक आपको वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप जाके अकाउंट बनाइए, पैन कार्ड, बैंक डिटेल सारी डालनी होती है, और फिर वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी, वो लिंक आपको उनको दे देना है, वो लिंक द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। और रिजर्व पे यहाँ पे जो होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से पेमेंट ईजी कर देता है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI कुछ भी आप यूज़ करते हो वो आपको पेमेंट कर पाएगा, बस उस लिंक की मदद से। आपको अकाउंट बनाना, सब कुछ कर लेना है, कितने डॉलर की फीस लेनी वो आप सेट करना, एक लिंक आपको देगा, उसको आपको अपने क्लाइंट को देना है, क्लाइंट आपको वहाँ पे उसके द्वारा पेमेंट कर पाएगा। इंटरनेशनल पेमेंट करनी भाई तो क्या करें, इंटरनेशनल पेमेंट के लिए आप पेपल यूज़ कर सकते हो, पेपल बहुत बढ़िया है, वहाँ पे आपको स्विफ्ट द्वारा पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ परसेंट चार्ज लगता है जो कि स्विफ्ट द्वारा बैंक में आता है, तो पैसे कटते हैं और बाकी आप अच्छे से पेमेंट कर सकते हो। पेपल बिल्कुल सिक्योर है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इस पूरे रोड मैप में मैंने सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर कर रखी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 18वें पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, ये मैंने आपको एक पूरा डेमो दे रखा है, इस डेमो को आपको देख लेना है। इसको देखने के बाद ईमेल, जो कोल्ड ईमेल मैंने आपको बताया था, वो लिखने की ट्राई करनी है, ठीक है। कोल्ड ईमेल में ये डेमो ट्राई करो और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मत करने लगना, मैंने 1000 बार बताया है कि इससे आपको समझना है कि किस तरीके आप क्या बातें लिख सकते हो। उसके बाद उसके पूरी रिसर्च करो, उस बंदे के बारे में क्या बनाता है, किस फील्ड में है, और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करो। और कुछ चीज़ें यहाँ से भी आप कॉपी, मतलब समझ सकते हो, कॉपी नहीं करना है, और फिर आपको उसको पूरे पर्सनलाइज ईमेल देना है। डेमो मैंने यहाँ पे दे दिया, आप समझ सकते हो उससे, ठीक है, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और फिर यहाँ पे एक लिंक आपको डालनी होती है, लिंक उस वीडियो की जो आप उसको डेमो के तौर पर देने वाले हो एडिट करके, ठीक है। और कंप्लीट आपको एक ईमेल भेजना है, नीचे अपना कुछ भी नाम डाल सकते हो, कहीं कोई अकाउंट है तो उसको दे सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने एक रोड मैप के अंदर आपको यहाँ पे थ्योरी में समझा दी है। अब ये कोर्स का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर थ्योरी में आपको हर चीज़ की नॉलेज हो चुकी है। अगर कोई पॉइंट अभी भी रह जाता है तो जनाब मैं भी इंसान हूँ, कमेंट सेक्शन खुला है, आप पूछिए, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि अब दूसरा पार्ट इस कोर्स का स्टार्ट होने जा रहा है, यहाँ पर मैं फाइबर पर ले
चलता हूँ फाइवर पे अकाउंट बनाना, प्लस अकाउंट में क्या चीज़ें ऐड करनी जिससे क्लाइंट आपके पास आएगा, ये चीज़ें बताऊँगा। ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होने के बाद ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों की लिंक मिल जाएगी आपको, इस पूरे जितना भी मैंने पढ़ाया उसकी PPT की PDF मिल जाएगी, एक बुक मिलेगी, बुक के अंदर आपकी टॉप 7 जो स्किल्स होती हैं उनके कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे। बटन पर क्लिक करना है, डायरेक्ट आप जा सकते हो, कोर्स के अंदर बटन मैंने बना रखी है, ठीक है। प्लस आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा एग्रीमेंट, ये सॉरी यहाँ पे डेमो मिल जाएगा और एक एग्रीमेंट बनाने का वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। इतना कंप्लीट डिटेल सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल वीडियो, यहाँ पर मैं फाइवर पर ले चल रहा हूँ, अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, तो चलिए मेरे साथ चलते हैं यहाँ पर फाइवर पर। तो आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब हम लोग जो भी यहाँ पर समझाएंगे वो सब प्रैक्टिकल होने वाला है कि किस तरीके से हम लोगों को एक फाइवर में अकाउंट बनाना है फ्रीलैंसिंग के लिए और किस तरीके से हमको उसके अंदर गिग बनानी है, ठीक है। तो सब चीज़ें प्रैक्टिकल हम लोग समझने वाले हैं। उससे पहले समझते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको डोमेन बताया था मीडिया डोमेन, ठीक है। तो मीडिया डोमेन के अंदर आपको मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग नाम की एक स्किल बताई थी, ठीक है। तो अब मैं अपने एक यहाँ पे फ्रीलांसिंग अकाउंट बनाऊंगा ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। मान लो मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है या आपको करनी है, तो उसके लिए मैं बनाऊंगा, जितनी भी डिटेल डालूंगा वो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड होंगी। तो अगर आप भी कोई सा भी मतलब आपकी स्किल वीडियो एडिटिंग की हो तो आप सेम वीडियो एडिटिंग के लिए कर सकते हो, मतलब जहाँ जहाँ हम ग्राफिक डिजाइनिंग लिखेंगे वहाँ आपको वीडियो एडिटिंग लिखना होगा, बस इतना है। और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी होता क्या है जनाब, एक नीश होती है। नीश क्या मतलब, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लोगो डिजाइनिंग, चैनल बैनर डिजाइनिंग और एड्स डिजाइनिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर किस चीज़ की डिजाइनिंग करने वाले हैं, हम लोग करने वाले थंबनेल डिजाइनिंग। YouTube में आप जो थंबनेल देखते हो जिसको आप लोग पोस्टर बोलते हो, ठीक है, जो हम लोग अपनी वीडियोस के ऊपर लगाते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं फ्रीलांसिंग अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग थंबनेल डिजाइनिंग के लिए एक यहाँ पर फ्रीलांसिंग अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले कोई सा भी एक ब्राउज़र खोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रोम खोलो या फिर कोई सा भी खोलो, ठीक है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर सर्च कर लेना है आपको फाइवर, ठीक है। तो फाइवर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इंटर दबाया और ये सर्च हो गया। अब ये fiverr.com की वेबसाइट आ चुकी है, ठीक है। हम लोग fiverr.com पे जाते हैं, ये फ्रीलांस सर्विस मार्केट प्लेस, ओके, इसको ओपन कर लिया। और सेम मैं यहाँ पे जो फाइवर पे आपको बताऊँगा वही आपको सारी वेबसाइट्स पे लगभग मिल जाएगा, आपकी फ्रीलांसिंग फ्रीलांसर पे भी मिल जाएगा, अपवर्क पे भी ऐसे ही सब सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके का आपके सामने एक होम पेज खुल के आया हुआ है। अब आपको जनरली यहाँ पे करना है कि आपको यहाँ पे ऊपर देखना है, ये देखिए ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा है जिसको मैं ग्रीन कलर का, ये देखिए ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ज्वाइन का ऑप्शन के आपने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन मिल रहा है, आप फेसबुक से साइनअप कर सकते हो, गूगल से कर सकते हो और यहाँ पे एप्पल के अगर आईडी है तो उससे कर सकते हो, या फिर आप अपने ईमेल द्वारा कर सकते हो, ठीक है। तो आप गूगल से भी डायरेक्ट कर सकते हो या फिर ईमेल से कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे साइनअप खोल लेता हूँ। अब साइन इन और साइनअप में अंतर जानते हो कि साइनअप में क्या होता है, पहली बार अकाउंट बनाया जाता है, तो हम लोग भी यहाँ पे पहली बार अकाउंट बना रहे हैं इस वेबसाइट के अंदर और सारी चीज़ें स्टार्टिंग से होंगी, बेसिक से 1-to-1 चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं अकाउंट बना लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम लोग हो चुके हैं साइनअप, ठीक है। साइनअप होने के बाद तुरंत आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है एसपी क्रैकर यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट, और ये हमने जो यहाँ पे ईमेल आईडी डाली है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। आप गूगल से डायरेक्ट साइनअप करते हो सकता है आपको यहाँ पे एक्टिवेशन के लिए ईमेल ना आए, डायरेक्ट हो जाए, पर मैंने यहाँ पे ईमेल से साइनअप किया है तो यहाँ पे बता रहा है कि आपको एक्टिवेट करना होगा, एसपी क्रैकर यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ईमेल आएगा और ईमेल द्वारा हमको करना होगा, ठीक है। तो ईमेल हमारे मोबाइल पर आया होगा, या फिर अगर आप डायरेक्ट यहाँ से करना चाहें तो जीमेल खोल लीजिए यहाँ पर और जीमेल से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल पे मेरे आएगा तो मैं उसको डायरेक्ट एक्टिवेट कर देता हूँ यहाँ से, और ये एक मेल आ चुका है फाइवर की तरफ से मेरे मोबाइल के अंदर। और अगर आप यहाँ पे खोलना चाहें तो जीमेल पे जाइए, जीमेल पे सेम जो मैंने यहाँ पे ये डाला है आर शुक्ला, मतलब आपको नहीं डालना ये, पर आप जो भी यहाँ आईडी डालोगे उस पर आपका एक मेल आएगा, उससे आपको कंफर्मेशन करना होता है कि आपका ही मेल है। तो मैं यहाँ पे एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चंद सेकंड का समय लग रहा है, इसको हो जाने देते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि इंटरफेस अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा यार यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, अभी मैं आपको सब सिंपली एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ, ठीक है। तो ये चला गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले देखिए इस तरीके इंटरफेस है, आपने साइनअप हो लिया है, अपना जो ईमेल आया है आपके मोबाइल पे उसको आपने यहाँ पे कंफर्मेशन कर दिया है अकाउंट एक्टिवेट। अब ये लोगो दिख रहा है, ठीक है, कॉर्नर पे जिस पे ऐसे लिखा हुआ है, आपका कुछ और लिखा हो सकता है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, प्रोफाइल पर आना है, ठीक है।
प्रोफाइल पे आते हैं। ओके, अब ये प्रोफाइल खुल गई मेरी। अब यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले अपने अकाउंट में फ़ोटो लगानी होगी, ठीक है। तो फ़ोटो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल वाली फ़ोटो पे जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक प्रोफाइल फ़ोटो मैंने पड़ी है, उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब देखिए, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे लगाते हो उसका एक सेंस बनना चाहिए। यहाँ पे आपको कोई ओट पटांग अपनी फ़ोटो नहीं लगानी है, एक सभ्य फ़ोटो लगानी है, जिससे अगला बंदा आपको देखे तो लगे हाँ यार ये प्रोफेशनल हो सकते हैं, ये काम अच्छा कर पाएंगे। देखने में थोड़ा सा आपका लुक उस टाइप का लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो छपरी लुक जैसा नहीं होता है कि उस तरीके की फ़ोटो मत लगाइएगा कि गॉगल्स लगा लिए, वो एक अच्छा सा लुक या फिर मतलब ठीक ठाक सिंपल फ़ोटो भी लगाओगे चल जाएगा, पर ये नहीं करना है कि आपको बिल्कुल सा मतलब गंदा सा लुक रख लेना, वैसा नहीं करना है। अब यहाँ पे हमारी फ़ोटो लग चुकी है और आप देख सकते हो ये ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, तो ये चल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, नीचे आते हैं, इंडिया से ये बनाई गई है, यहाँ पे ये डेट हो जाती है अक्टूबर में 2022 में, ठीक है। इतना हो गया, अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, व्हाट्स योर स्टोरी इन वन लाइन। तो वन लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं, ठीक है। तो व्हाट्स स्टोरी वन लाइन, आप यहाँ पे अपने बारे में बता सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा, टेक्स्ट इज टू शॉर्ट, मस्ट बी लिस्ट इन 3 कैरेक्टर्स। तो आप यहाँ पे अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिखूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखना है, ग्राफिक डिज़ाइनर। ओके, ये लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। इतना एक लाइन आपको लिखना होता, अपने बारे में बताना होता कि आप कौन हैं। तो आपने अपने बारे में बता दिया, यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया, अब हम लोग नीचे आते हैं। नीचे क्या क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है, अब हम लोग को बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ध्यान से समझनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एडिट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन किस तरीके देना है, इसको बताने के लिए मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन करूँगा, और देन यहाँ पे मैं फाइवर पे फिर से इसको ओपन करूँगा। फाइवर को आप कहोगे भाई दोबारा फाइवर को क्यों ओपन कर रहे हो, तो एक एग्जांपल हम लोग लेंगे किसी भी एक क्रिएटर का या फिर किसी एक फ्रीलांसर का, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। यहाँ पे सर्च किया और देखिए यहाँ किसका अकाउंट आता है, यहाँ बहुत सारे अकाउंट्स आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे किसी भी अच्छे क्रिएटर का, किसी भी अच्छे फ्रीलांसर का हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये है लेवल 2 सेलर और टॉप रेटेड सेलर, 5.3 रेटिंग लेवल 2 सेलर। चलिए मैं इसका ले लेता हूँ, ठीक है। या फिर ठीक ठीक इसका ले लेते हैं। ओके, इसका मैंने अकाउंट ओपन कर लिया है, ये अकाउंट ओपन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं कि इसने यहाँ पे अपने बारे में अपना नाम डाला है और बताया मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ एंड अ वीडियो एडिटर हूँ। इस तरीके से आपने यहाँ पे भी मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर डाला था, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ वीडियो एडिटर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रोफाइल है, कितने स्टार है, 5 स्टार की रेटिंग है और 1000 से ज़्यादा यहाँ पर रिव्यू है इसके, ठीक है। और इसने कॉन्टैक्ट वगैरह दिया, ये सब मैं आगे आपको बता दूंगा। सबसे पहले आते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, अब इसके डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। जैसे लिखा है इसने, हेलो देयर आई एम, इसने अपना नाम डाला है, फिर यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइनर, आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस, और पूरा पूरा इसने अपने बारे में एक कैची सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको भी अपना कैची डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। अब उसके लिए एक छोटी सी टिप्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे न्यू टैब ओपन किया और इस क्रिएटर की प्रोफाइल ओपन कर ली, वैसे कम से कम आपको 5 टैब ओपन कर लेने हैं। 5 में आपको अलग अलग फ्रीलांसर्स की यहाँ पे प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। जब 5 फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल ओपन कर लोगे तो उसमें ये जो डिस्क्रिप्शन है 5ों का आपको देखना है, और 5ों में जो सबसे ज़्यादा कैची लिखा हो, जो सबसे ज़्यादा अच्छा लिखा हो, उसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसका यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको सेम टू सेम लिखना है, पर समझना पड़ेगा कि आप कैसा लिख सकते हो, दूसरे से समझ तो सकते हो ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे दूसरे का लिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम चेंज करना होगा। मान लीजिए मैंने अपना नाम डाल दिया, ठीक है। पूरा नाम आप डाल सकते हो या फिर हाफ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेलो देयर आई एम शुभम पांडे, आई यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइनर, आई हैव 4 ईयर नहीं, मुझे 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे 5 डालूंगा, ठीक है। आपको जितने ईयर का एक्सपीरियंस हो उतना आपको डालना है,
तो मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन फोटोशॉप। अब आपका किस सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सपीरियंस है, आपने फोटोशॉप से ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है, कैनवा के अंदर सीखी है, या फिर कोई अदर आप इलस्ट्रेशन वगैरह यूज़ करते हो, कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो वो यहाँ पे बताना होता है। मान लीजिए मैंने फोटोशॉप और कैनवा दोनों के अंदर सीखी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कैनवा, ठीक है, फोटोशॉप और कैनवा दोनों में मुझे अच्छे से चलाने आते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे आई हैव अ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन फोटोशॉप एंड, या फिर यहाँ पे डाल दो एंड कैनवा, ठीक है, दोनों एंड करके चलिए डाल देते हैं इस चीज़ को यहाँ पे, एंड कैनवा लास्ट मंथ स्टार्टेड टू फोकस ऑन यूट्यूब थंबनेल्स इन दिस पीरियड। तो लास्ट मंथ जो लिखा है यहाँ पे हम लोग मंथ डाल देते हैं, 9 डाल दिया, ठीक है, लास्ट 9 मंथ स्टार्टेड टू फोकस, ठीक है। अब आपको सेम टू सेम कभी भी लिखना नहीं, मैं आपको आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि किसी ने क्या लिखा है, थोड़ा इससे उठाओ, थोड़ा दूसरे फ्रीलांसर से उठाओ और एक अच्छा से डिस्क्रिप्शन बनाओ, ठीक है। स्टार्टेड टू फोकस ऑन यूट्यूब थंबनेल इन दिस पीरियड और इन दिस पीरियड ऑफ टाइम आई हैव मेड मोर देन 2000 थंबनेल, ठीक है, मोर देन 2000 प्लस लगा दो यहाँ पे, जिससे और यूनिक लगेगा कि मतलब प्लस का मतलब क्या है कि 2000 से ज़्यादा आपने कर रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लस लगा दूंगा, ठीक है, और एंड वर्क विथ यूट्यूब चैनल्स विथ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर। बाकी इसने काफ़ी अच्छा लिख रखा है तो इसी को हम लोग यहाँ भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, इसी तरीके से आपको भी करना है, अपडेट मार देंगे, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। हेलो देयर, आई एम शुभम पांडे, ठीक है, यहाँ पे आई एम शुभम पांडे अ यूट्यूब थंबनेल डिजाइनर, आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस फॉर इन फोटोशॉप एंड कैनवा, ठीक है, लास्ट नाइन मंथ होगा। तो यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं आपको ध्यान देनी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंसान आपसे काम कराने आएगा वो आप पे नज़र रखता है कि आप कितने अच्छे से किसी चीज़ को एक्सप्लेन किए हुए हो। और ये ध्यान दीजिए कि किसी के पास इतना टाइम होता नहीं है, वो एक नज़र में आपकी ये देखेगा और अगर उसको कहीं कोई गलती दिख गई तो समझ लो फिर आपको काम नहीं देगा। तो लास्ट 9 मंथ्स स्टार्टेड टू फोकस ऑन यूट्यूब थंबनेल्स इन दिस पीरियड्स ऑफ टाइम आई हैव मेड मोर देन 2000 प्लस थंबनेल एंड वर्क विद यूट्यूब चैनल विद मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स। अब इतना मैंने डाल तो दिया है, पर इतना डालने के पीछे क्या है कि मुझे स्किल्स है मेरे अंदर, मैं अच्छी थंबनेल बना सकता हूँ, तो इसलिए मैंने डाल दिया है। और अगर आप नहीं जानते हो तो पहले अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। मैंने अभी तक जो रोड मैप आपको वीडियो में बताया उसको फॉलो कीजिए। जब आपको लगे कि यार अब मैं कर सकता हूँ, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, तब आप कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2000 से ज़्यादा थंबनेल मैंने बनाई है, तो ये तो यार सच बताऊँ मैं झूठ है, 2000 जितनी तो मैंने थंबनेल नहीं बनाई है, पर हाँ मैंने 1200 थंबनेल तो गिनती के बनाई है। क्योंकि आप इस वीडियो में देख रहे हो, मतलब इस चैनल पे देख रहे हो जो वीडियो, इसमें 100 प्लस वीडियोस पड़ी होने वाली हैं, 100 वीडियोस, और इसके पहले मेरा एक चैनल है उसमें करीबन मैंने 550-600 वीडियो डाल रखी हैं, तो कुल मिला के 1000 वीडियो ऐसे मैंने बना रखी है। कुछ वीडियो मेरी प्राइवेट है उनमें मैंने थंबनेल बना रखी है, और कुछ अदर चैनल्स हैं जो मैंने डिलीट कर दिए उनमें बना रखी है। तो ऐसा करके मैंने 1200 थंबनेल बनाई है और यूट्यूब का काफ़ी नॉलेज है मेरे अंदर, तब मैं यहाँ पर आकर इस चीज़ को यहाँ पर लिख पा रहा हूँ। तो आपको देखना है कि आपके अंदर नॉलेज है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज इंग्लिश बेसिक, ठीक है, तो हमको लैंग्वेज में कुछ नहीं करना। अगर आपको कोई लैंग्वेज चेंज करना है तो ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करके आप अपनी लैंग्वेज डाल सकते हो, और लेवल कैसा बेसिक है, कन्वर्सेशन है, फ्लुएंट है, नेटिव है, तो आप बेसिक में डाल दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जो पढ़ा है वो ठीक है मेरे लिए। अब क्या है यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब रोड मैप में कि आपको अपना अकाउंट अच्छे से डिजाइन करके रखना है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो वहाँ पे अपना अकाउंट देना होता है, तो आप फेसबुक का दे सकते हो, गूगल का दे सकते हो, और अगर आप यहाँ पे वेब डिजाइनिंग या ऐप डेवलपर हो तो वहाँ पे आपको गेटअप का देना है। गेटअप के अंदर आपको अपने प्रोजेक्ट मेंशन करने होते हैं, और स्टैक ओवरफ्लो का दे सकते हो, ट्विटर का दे सकते हो, ठीक है। अब सबसे मेन ये वाला पॉइंट आता है स्किल्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स बतानी है कि आपको अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग डालो, वीडियो एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटिंग डालो, जो भी अच्छे से आता है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, सबसे पहले ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मैं डालूंगा ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइन डाल लूंगा, ठीक है, सबसे पहली ये स्किल है। आप पूछेगा एक्सपीरियंस लेवल कितना है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट डालूंगा क्योंकि मैं हूँ। ओके, ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा और अब यहाँ पे क्या डालूंगा, एडोबे फोटोशॉप, तो यहाँ पे सिर्फ फोटोशॉप डाल दूंगा तो आ जाएगा शायद मेरी समझ से, थोड़ा और लिखना पड़ेगा फोटोशॉप, ठीक है, तो एडोबे फोटोशॉप, फोटोशॉप कोड, फोटोशॉप डिजाइन, ठीक है, ये देखिए फोटोशॉप डिजाइन, अब यहाँ पे एक्सपर्ट डाल दिया, ठीक है, ऐड कर दिया। ओके, और यहाँ पे क्या डाला जा सकता है, ग्राफिक एडिटिंग नाम से भी हो सकता है यहाँ पे स्किल हो, ठीक है,
ग्राफिक एडिटिंग ऐसी करके कोई स्किल है यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, एडिटिंग ग्राफिक एडिटिंग शायद सजेस्ट, ठीक ओके ग्राफिक एडिटिंग शायद नहीं है, पर यहाँ पे हम लोग सजेस्ट करके डाल देते हैं। ठीक है एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट, ठीक है और ऐड कर दिया। और फिर यहाँ पे डिपेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे है नहीं, चलिए इसको हटा देते, जो है नहीं उसका कुछ लेना देना नहीं है। और यहाँ पे YouTube थंबनेल डिज़ाइन होगा पक्की बात है, चेक कर लेते हैं YouTube थंबनेल डिज़ाइन। ये यार यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा है YouTube, यहाँ पे थंबनेल सिर्फ डाल के देखते हैं थंबनेल, थंबनेल डिज़ाइन ठीक है ओके। यहाँ पे एक्सपर्ट लेवल पे कर दिया, ठीक है थंबनेल डिज़ाइन। और यहाँ पे YouTube का भी दिखाना चाहिए, एक YouTube थंबनेल डिज़ाइन भी होना चाहिए। ये थंबनेल लिखते हैं थंबनेल फ्रंट लाइन थंबनेल डिज़ाइन YouTube थंबनेल डिज़ाइन ये है, ठीक है एक्सपर्ट लेवल, एक्सपर्ट लेवल डाल दिया ठीक है ओके। और क्या डाल सकते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब की कोई भी वीडियो है वो मार्केटिंग किससे होती है आपकी थंबनेल से, ठीक है तो यहाँ पे मार्केटिंग करके डालते हैं, फिर इसको पहले क्लियर करते हैं, मार्केटिंग सजेशन में आना चाहिए तो डालते हैं। इस तरीके आपको ढूंढना है काफ़ी सारी चीज़ें और यहाँ पर डाल देनी है। और यूट्यूब मार्केटिंग एफिलिएट ऊपर यहाँ पे देखते हैं यूट्यूब, चलो ये नहीं दिखा रहा तो उसको हटा देते हैं। और क्या आ सकता है यहाँ पे, यूट्यूब मार्केटिंग थंबनेल डिज़ाइन नाम की कोई पड़ी है यहाँ पे स्किल, थंबनेल डिज़ाइन पड़ी है ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स हो सकता है, डाल के देखते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट सर्च करके रखी हुई हैं तो कंप्यूटर ग्राफिक्स ओके ये है एक स्किल और इसको एंटर कर देते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। और यूट्यूब SEO ठीक है एक्सपर्ट लेवल पहले डाल देते हैं एक्सपर्ट, और एड न्यू कर देते हैं यू SEO से डालते हैं शायद आ जाएगा SEO, SEO में यूट्यूब का SEO होना चाहिए या फिर यूट्यूब SEO शायद नहीं है ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। जो जो चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी वो हम डाल देंगे ठीक है। तो अभी हम लोगों ने टोटल कितनी डाली हैं, 1 2 3 4 5 स्किल्स डाल दी हैं बेहतरीन। अब आप देखो आपके डोमेन के अंदर आपकी निश के अंदर जितनी भी स्किल्स हों, मतलब थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हो तो थंबनेल की सारी जितनी भी होती हैं जितनी मैंने डाली हैं उसके अलावा भी होती हैं ठीक है, आपको सर्च कर लेना है इलस्ट्रेशन ग्राफिक्स करके वो भी आ जाएंगी, वो यहाँ पर डाल देना है ठीक है। और अगर वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो वीडियो एडिटिंग के अंदर काफ़ी सारी नीस होती हैं, उनको आपको यहाँ पे स्किल्स के तौर पर डाल देना है। जब यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एजुकेशन, तो ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पूछ रहा है कंट्री ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंडिया में हैं तो इंडिया इंडिया सेलेक्ट करना है हम लोगों को ओके। इंडिया कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे कोई सी भी आप डाल सकते हो, कोई ये लोग चेक नहीं करते हैं, पर आपको सही डालनी होती है, पर आप कोई सी भी डाल सकते हो, कोई ये नहीं है कि यार ये लोग चेक करने आ रहे हैं, आप कोई सी भी डाल सकते हो। टाइटल क्या किया है आपने, तो कौन सी डिग्री है, वैसे तो मैंने BCA किया हुआ है पर यहाँ पे BA BR BA MBA, चलो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं MBA ठीक है। MBA के अंदर मेजर क्या है, मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट ठीक है ये डाल दिया। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कब किया था, तो 2018 में या फिर कर देते हैं 20 में किया था ठीक है, इतना कंप्लीट ऐड कर देते हैं ओके। MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट MCO इंडिया ठीक है ये हो गया। अब सर्टिफिकेट कहोगे भाई मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट है नहीं तो ये कहाँ से इनको दे दें, तो अब मैं किसी चीज़ को धोखाधड़ी करने के लिए यहाँ पे नहीं कहूँगा, पर एक आपको बताऊँ सिंपल सा सर्टिफिकेट आपको आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको लर्नर हो गई
और यहाँ पे ग्रेट लर्निंग जैसी वेबसाइट है जहाँ पे फ्री कोर्स है, और उस कोर्स को जब कंप्लीट करोगे तो कुछ डॉलर मतलब $5-10 में आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो वहाँ से आपको कोर्स कंप्लीट करके या फिर ना भी कंप्लीट करो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। पर अगर आपके पास नहीं है तो आपको जुगाड़ बताता हूँ, ये लोग चेक करने नहीं आएंगे, ऐड न्यू पे जाना है और यहाँ पे कुछ एक अच्छा सा नाम रखना है, जैसे कि ग्राफिक नहीं डिज़ाइनर क्या रख सकते हैं, ग्राफिक मेकर प्रो, इस तरीके से कुछ भी एक अच्छा सा नाम रख लेना है, ठीक है। सर्टिफाइड फॉर्म कहाँ से सर्टिफाइड है, जैसे एग्जांपल मैंने एडोबे का दिया है, एडोबे ने तुमको कोई सर्टिफाइड किया नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक अपने दूसरे किसी चैनल का नाम या फिर इसी चैनल का नाम डाल देता हूँ, चलिए डाल देता हूँ। यूट्यूब चैनल भी एक बहुत बड़ी आजकल मानता रखता है, अगर ये लोग यूट्यूब पर जाते हैं तो एक तरीके से मैं यूट्यूब से सर्टिफाइड हूँ, वहाँ पे अगर ये मेरे देखेंगे स्किल्स को तो इनको पता चल जाएगा, ठीक है। ईयर कब सर्टिफाइड हुए थे, तो यार वैसे तो मैं 5 साल से इन सब चीज़ों में हूँ, तो मैं 2018 डाल देता हूँ, ठीक है, ऐड कर देते हैं। ओके, ग्राफिक मेकर प्रो या फिर यहाँ पे डिजाइनर मेकर प्रो, ग्राफिक डिजाइनर प्रो, इस तरीके आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना सब हो चुका है कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे अभी आपको कुछ अगर समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ लूँ, यहाँ पे आपको कोई भी लिंक देनी है तो आप दे सकते हो, ठीक है। इतना हो चुका है, अब आते हैं यहाँ पे, हम लोगों को अपनी एक गिग बनानी होगी, ठीक है, क्रिएट न्यू गिग, ठीक है। अब कहोगे भाई गिग क्या होता है, जो नए लोग आए उनको गिग नहीं पता है। जैसे कि आपने एक स्किल चुनी कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर क्या चीज़ करनी है, यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है या फिर एडवर्टाइजमेंट बैनर बनाना है या फिर लोगो बनाना है, क्या चीज़ बनानी, तो उसके लिए आपको एक अलग से छोटा सा मतलब एक कहते नहीं है कि अकाउंट के अंदर पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, एक पोर्टफोलियो एक पेज बनाना होता है। गिग आपकी एक पेज होती है जो आपके बारे में बताती है कि आप क्या करते हो, लोग आपसे क्या करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं, मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनिंग है तो एक ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए गिग बनाओ, अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग भी आती है तो एक वीडियो एडिटिंग के लिए भी गिग बनाओ, आप वेब डेवलपर हो तो एक वेब डेवलपर के लिए भी गिग बना सकते हो, इस तरीके से आप मल्टीपल भी बना सकते हो और एक दो भी बना सकते हो। मैं मानता हूँ मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मुझे यूट्यूब थंबनेल बनानी आती, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, एज्यूम क्या मैं कर भी लेता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए गिग बना रहा हूँ। क्रिएटर न्यू गिग पे क्लिक किया, अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, इनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला ये एक ऑप्शन देख रहे हो गिग टाइटल, ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग टाइटल किस तरीके देंगे, तो हम लोग ने इसकी यहाँ पे खोल रखी प्रोफाइल, इसकी गिग कहाँ पे है, उठाते हैं इसको, इसने काफ़ी सारी गिग बनाई होंगी, तो देखिए ये सब बना रखी है इसने थंबनेल के लिए वगैरह वगैरह, और यहाँ पे ठीक है, तो इस वाली गिग को उठाते हैं, चलो इसको ओपन किया। अब ये जिसने यहाँ पे लगा रखा है आई विल डिज़ाइन अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन, ठीक है, आई विल डिज़ाइन अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन, तो आप इसके टाइटल को देखो, प्लस आप एक दो और फ्रीलांसर्स को ओपन करो, उनका भी टाइटल देखो, ठीक है, जिसका टाइटल आपको लगे कि यार ये बेस्ट है उसका टाइटल वहाँ पे अच्छे से लगा दो जाके। तो मुझे इसका टाइटल ठीक लग रहा है, पर मैं अपने हिसाब से यहाँ पे टाइटल डालना चाहता हूँ कुछ मतलब हटकर, आपको सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, बस थोड़ा सा आप ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से डालूँगा। तो सबसे पहले मैं कैपिटल में लिखता हूँ आई, या फिर यहाँ पे हाँ ठीक है, आई विल डिज़ाइन, आई विल डिज़ाइन अमेजिंग फिर यूट्यूब थंबनेल्स YouTube thumbnails, यहाँ पर डबल ए हो गया तो उसको हटा देते हैं, सिंगल ए रखेंगे thumbnails, ओके, और क्या लिख सकते हैं, आई विल डिजाइन अमेजिंग YouTube thumbnails, और कुछ ऐसा अलग सा भी लिखना होगा, ठीक है, thumbnails इन ओनली 5 आवर्स, जिससे लोगों को कैच करे कि यार ये अलग है बाकियों से अलग है, ठीक है, तो इन ओनली 5 आवर्स, कि आप 5 घंटे में इनको थंबनेल बनाकर दे दोगे। अब यार एक थंबनेल बनाने के लिए 5 घंटे बहुत हैं, मैं तो 5 घंटे में करीबन 15 थंबनेल बना सकता हूँ,
मुझे एक थंबनेल बनाने में मुश्किल से मुश्किल अगर बहुत देखे 35 मिनट, जब मैं अच्छे से काफ़ी बैठ कर करता हूँ, नहीं 10-15 मिनट में काम हो जाता है। तो इस तरीके आपको लिखना है, आई विल डिज़ाइन अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल्स इन ओनली 5 आवर्स। इस ये जो चीज़ लिखी, इससे लोग कैच होंगे कि यार 5 घंटे में काम करके दे देगा, तो वो लोग आपके पास आएंगे। ठीक, कैटेगरी, कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे सब कैटेगरी, सब कैटेगरी में नीचे आते हैं, हम लोगों को यहाँ पे मिल जाना चाहिए इमेज एडिटिंग थंबनेल डिज़ाइनिंग आना चाहिए, थंबनेल डिज़ाइन आइकन देख लेते हैं। यहाँ पे होगा कुछ ना कुछ हमारे लाइक जो हम लोग कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन, ब्रांड स्टाइल डिज़ाइन, गेम आर्ट, ग्राफिक फॉर वेबसाइट डिज़ाइन, ऐप डिज़ाइन, यूएक्स डिज़ाइन, नहीं रिज्यूमे, इलस्ट्रेशन, पैटर्न डिज़ाइन, फॉन्ट, यहाँ पे कुछ ऐसा हो जो हम लोग के हिसाब से हो, सोशल मीडिया डिज़ाइन। ठीक, ये हो गया। अब सोशल मीडिया डिज़ाइन के अंदर सर्विस टाइप, आप किस टाइप की सर्विस देना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट अ सर्विस टाइप, तो थंबनेल डिज़ाइन। ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर हम लोग थंबनेल बनाएंगे, तो ये ऑप्शन इसने खुद सजेस्ट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे पूछेगा कि प्लेटफॉर्म टाइप, कि आप किन प्लेटफॉर्म के लिए काम करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे दो लोगों के लिए करना चाहता हूँ, मार्केट प्लेस और यहाँ पे सोशल मीडिया। आप दो ही को सिलेक्ट कर सकते हो, दो से ज़्यादा कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो दो का हो जाएगा। ठीक है, दो का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे टैक्स, अब आपने अगर YouTube वीडियो कभी अपलोड की होगी तो आपको पता होगा टैक्स कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं किसी चीज़ को सर्च रिजल्ट में लाने के लिए। तो टैक्स कैसे डालने हैं, ठीक है, टैक्स डालने की बात करते हैं। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने क्या चीज़ टारगेट कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं डोमेन कौन सा है, मीडिया डोमेन। फिर मीडिया डोमेन के अंदर स्किल कौन सी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर हमारी नीच कौन सी है, यहाँ पे थंबनेल डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो अब कोई इंसान एज्यूम करो कि आता है इस वेबसाइट पे और उसको थंबनेल डिज़ाइन करानी है, तो ये तो नहीं लिखेगा कि लोगो डिज़ाइनिंग, या फिर ये नहीं लिखेगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वो सीधे लिखेगा थंबनेल डिज़ाइनिंग, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक थंबनेल, कुछ इस तरीके का टैक्स लिखेगा। और ना मानिए तो मैं इसके यहाँ पे ले चलता हूँ, ये जो मैंने फ्रीलांसर्स का खोल रखा है अकाउंट, इसकी गिग पे चलते हैं। यहाँ पे गिग ओपन है, इसने क्या टैक्स डाल रखे हैं, टाइटल तो आपने देख लिए, टाइटल के बाद यहाँ पे इसने कुछ डेमो डाल रखे हैं, वो मैं आगे बताऊँगा किस तरीके डालना है। यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन शायद नीचे ही होगा, थंबनेल, वन डे डिलीवरी, सोर्स फाइल, फलाना फलाना, थंबनेल टैक्स, टैक्स इसने कहाँ पे डाले हुए हैं, टैक्स टैक्स टैक्स, अबाउट द सेलर, ओवरव्यू, रिव्यूज। नीचे आते हैं, यहाँ पे इसके टैक्स नीचे होंगे जनाब, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हाँ ये देखिए इसने रिलेटेड टैक्स डाल रखे हैं। क्या डाला, यूट्यूब थंबनेल्स, गेमिंग थंबनेल्स, थंबनेल डिज़ाइन और रोब्लॉक्स थंबनेल, फाइबर गिग इमेज। ठीक है, इसने ये टैक्स यहाँ पे डाल रखे हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ टैक्स हम लोग भी यहाँ पे पुट करने वाले हैं जनाब। तो कौन कौन से टैक्स डालेंगे, सबसे पहले हम लोग यूट्यूब थंबनेल, गेमिंग थंबनेल। तो सबसे पहले गेमिंग थंबनेल डाल लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेना है। चलिए हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, यूट्यूब गेमिंग थंबनेल, थंबनेल डिज़ाइन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और कीवर्ड से हम लोग को डालना सबसे पहले यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, सबसे पहले डालो थंबनेल्स, THU थंबनेल। ठीक, आप कस्टम थंबनेल, कस्टम थंबनेल, ठीक कस्टम थंबनेल, इंटर मारा। ठीक, और क्या हो सकता है, कस्टम थंबनेल और यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल डाला, नहीं डाला यू ट्यूब थंबनेल। ठीक, इंटर मारा यूट्यूब थंबनेल, और क्या हो सकता है, फेसबुक थंबनेल, फेसबुक में भी आजकल वीडियो लोग डालते हैं तो उनकी भी थंबनेल की ज़रूरत होती है, थम नेल। ठीक है, ये मैंने इंटर कर दिया। एक और डालेंगे गेमिंग थंबनेल, गेमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिर्फ 5 टैक्स डाल सकते हैं, तो ओके इनफ है हमारे लिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5वां गेमिंग थंबनेल,
ठीक है इतना ठीक है यार, ओके। तो यहाँ पे लेटर्स भी बड़े बड़े हैं इसलिए चार डालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टैक्स डालने, टैक्स में आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि टैक्स वही डालिए जो यूज़र सर्च करता है। यूज़र देखिए थंबनेल बनवाएगा तो कस्टम थंबनेल कहेगा, यूट्यूब के लिए थंबनेल कहेगा, फेसबुक के लिए कहेगा, थंबनेल से बोलेगा, पर वो डिज़ाइन ग्राफिक और ये फिर दुनियादारी लोगो ये सब नहीं बोलेगा। पांच कीवर्ड के अंदर आपको उसका दिमाग लगा कर वही चीज़ें डालनी है, ठीक है, दुनियादारी आपको नहीं करनी है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है द टाइटल कैन नॉट कंटेन आई विल और फॉर डॉलर, टाइटल में नॉट कंटेन इन द बिगिनिंग, ठीक है, टाइटल कैन नॉट कंटेन आई विल, तो आई विल नहीं लगा सकते। चलो भैया आई विल नहीं लगाते हैं, इनकी सुन लेते हैं, आई विल अपने आप लगा हुआ है, ठीक है। आई विल डिज़ाइन अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल्स, अब जैसे थंबनेल के टी है ना तो इसको थोड़ा हम लोग हटा कर सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आपके सामने बेसिक से सब चीज़ें कर रहे हैं ना, तो आपको भी समझ में आएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इनका आई विल अपने आप लगा, डिज़ाइन अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल्स इन ओनली 5 आवर्स, ठीक है, इतना हो गया, मस्त, ठीक। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, इतना हो गया। अब यहाँ पे दूसरे वाले पे आए, अब यहाँ पे हम लोग को प्राइसिंग सिलेक्ट करनी है, तो ऐड स्टॉक मीडिया योर गिग नहीं करना भैया, ठीक है। अब प्राइसिंग पे क्या मैटर है, प्राइसिंग किस तरीके सेलेक्ट करनी है, ऑफर पैकेज टू मीट द नीड्स मोर बायर्स, क्रिएट पैकेज, मान लो इस पर क्लिक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इनको समझते हैं। आप बाज़ार से जनाब जब भी कोई चीज़ लेने जाते हो तो आपको एक ही चीज़ तीन क्वालिटी की मिलती है, कपड़े लोगे उसमें भी, फल लोगे उसमें भी, कि ठेले ले भैया पूछोगे कहेगा ये 20 का, ये 40 का और ये 60 का मैडम, इस तरीके बोलता है, या फिर ये 10 का, वो 15 का, वो 50 का मैडम, इस तरीके बोलता है। तो वो भी तीन चीज़ें उसको डिवाइड करती हैं कि एक उसका बेसिक चीज़ है, एक स्टैंडर्ड चीज़ है, एक प्रीमियम चीज़ है, ठीक है। इसी तरीके आप जब अपनी गीक का एक पेमेंट मेथड बनाते हो, या फिर यहाँ पे लोग आकर ये देखेंगे कि आपकी प्राइसिंग क्या, आप कितना ले रहे हो, उनसे चार्ज कितना कर रहे हो, तो वो आप दिखा सकते हो कि हम लोग बेसिक में क्या प्लान दे रहे हैं, स्टैंडर्ड में क्या प्लान दे रहे हैं, प्रीमियम में क्या प्लान दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक की डिटेल डालनी है, यहाँ पे स्टैंडर्ड की, यहाँ पे प्रीमियम की, ओके। पर मैं कहूँ जब आप स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम कोई गिग बनाइए काम करने के लिए, तो जनाब आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें ध्यान नहीं देनी है, आपको ये ऑप्शन कर देना है बंद और सिर्फ आपको करना है बेसिक पे फोकस, ठीक है। आपको सिर्फ बेसिक प्लान के अंदर ही उसको प्रीमियम प्लान का पूरा दे देना है, ठीक है। जो आप प्रीमियम में देने वाले थे वही उसको बेसिक के अंदर दे दो, कम पैसों में दे दो, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अभी आपका मिशन ये है स्टार्टिंग में, शुरुआत के कुछ महीनों कुछ सालों तक आपको मिशन यही बनाकर रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू मिल पाए और अच्छा फीडबैक मिल पाए, ठीक है। ये नहीं सोचना कि पैसे ज़्यादा ज़्यादा मिल पाए, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब बेसिक के अंदर क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोफेशनल, ठीक है। आकर्षित करने के लिए लोगों को आप जितना अच्छा लिख पाओगे उतना ही यहाँ पे सही है, ठीक है। तो प्रोफेशनल, ठीक। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हो, मेरा आप कहना सुनो, दिमाग आपको लगाना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई विल, नीचे आपको एक मैसेज लिखना होता है, आई विल क्रिएट 5 thumbnails, ठीक है, सॉरी यहाँ पे परसेंट का नहीं, 5 thumbnails with HD quality, ठीक है। इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये अपनी मर्जी से लिखा है, आप वहाँ पे देख कर भी समझ सकते हो उसका, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन इनका खोल रखा है, इनसे भी समझ सकते हो देखकर इन्होंने क्या लिखा है। मैं हर चीज़ इनकी कॉपी नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना भी कुछ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, तो आप इनका भी देखकर लिख सकते हो इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अमेजिंग थंबनेल विद 24 आवर्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 आवर्स लिखा है, उन्होंने कम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम लोग एडिट कर रहे हैं अपनी गिग को, इतना आई विल क्रिएट 5 thumbnails विद HD quality, डिलीवरी टाइम, यहाँ पे डिलीवरी टाइम 1 day, 2 day, 3 day, वैसे तो मैं 5 आवर्स के अंदर बात कर रहा था, पर यहाँ पे डेज में बात हो रही है, तो अब डेज में बात हो रही है, तो यहाँ पे हमको 1 day डाल देना होगा। तो क्या कर सकते हैं, 1 day डालना ही पड़ेगा, तो 1 day delivery, इतना डाल दिया, ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे आता है नंबर ऑफ थंबनेल्स, कितनी बना कर दोगे, कितने रुपए में कितनी, तो 5 थंबनेल बना कर दूंगा। और अभी यहाँ पे पैसे भी डालने का ऑप्शन नीचे आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्शंस की, इमेज सोर्सिंग, आप इमेज सोर्सिंग देना चाहते हो कि इमेज में जो भी चीज़ आप यूज़ करोगे उसका सोर्स क्या है, अगर आप देना चाहते हो तो टिक कर दो, कोई लेता नहीं है पर यह ऑप्शन देते हैं तो आपको कर देना चाहिए। कस्टम डिज़ाइन इमेज, क्या आप कस्टम डिजाइन खुद से सारी डिजाइनिंग करोगे इमेजेस की, तो क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सोर्स फाइल क्या होती है, अगर आपने पिक्सल लैब के अंदर कभी भी कोई थंबनेल बनाई है तो होता क्या कि जो भी आप एसेट यूज़ करते हो, लाइक मैंने कोई PNG फोटो यूज़ करी, कोई लोगो यूज़ करा, कोई टेक्स्ट यूज़ करा, उसका एक पूरा कलेक्शन बन जाता है, उस कलेक्शन को आप जिप फाइल में कन्वर्ट करके उसको एज अ सोर्स फाइल कोई किसी को भी दे सकते हो, तो वो कोई मांगता नहीं है पर आपको दे सकते हो, चाहे वो फोटोशॉप में हो, चाहे पिक्सल लैब में हो, किसी में भी हो, उसका आप सोर्स जो जो चीज़ें आपने यूज़ करी उसका कलेक्शन बनाकर दे सकते हो सोर्स फाइल के तौर पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर रिवीजन के लिए सिलेक्ट करते हैं, रिवीजन आप कितनी बार कर सकते हो, तो अनलिमिटेड कर दो, ठीक है, शुरुआत में ये सब चीज़ें सही रहती हैं। और यहाँ पे प्राइजिंग पे आते हैं, प्राइजिंग में हम लोग कर देते हैं $5, ठीक है, आप इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, पर शुरुआत में 5 रखो वही ठीक रहेगा, ठीक है। और शटर स्टॉक मीडिया ये सब नहीं, लाइसेंस इमेजेस, अगर किसी मान लीजिए कोई इमेज शटर स्टॉक से लेते हो, किसी ऐसी वेबसाइट से लेते हो जहाँ पे आपको इमेजेस ख़रीदनी पड़ रही हैं, तो वहाँ का भी पैसा आप ऐड कर सकते हो, पर मुझे फ्री इमेज यूज़ करनी है इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी लाइसेंस इमेज का पैसा नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जब आप किसी प्रोफेशनल किसी बड़ी कंपनी को टारगेट कर रहे होते हो, तब वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं। अब देखिए, आपको मैंने अभी बताया था कि पैसे कैसे लिए जाते हैं रोड मैप के अंदर, उसमें एक पॉइंट और मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि देखिए, जब कोई कंपनी आती है तो आपको कंपनी देखनी कितनी लार्ज है, अगर कोई बड़ी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, तो उसके पास पैसा भी ज़्यादा होगा, आप उससे 5 की बजाय $25 भी मांगोगे और काम अच्छा करके दोगे तो वो दे देगी, पर अगर कोई छोटा इंसान है, इंडिविजुअल पर्सन है, छोटा बिजनेस है, उससे अगर आप $25 मांगोगे डॉलर तो नहीं दे सकता है, हो सकता है वो 5-6 इतने ही में राजी हो, तो हर इंसान की वैल्यू के हिसाब से उसको देखो फिर अपनी मांग करो, हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और दूसरा कि अभी आप नए हो, आपकी स्किल्स नहीं है, आपका मतलब अभी एक्सपीरियंस नहीं उतना, प्लस यहाँ पे आपको अभी कोई रिव्यू रैंकिंग नहीं मिली है, तो उस बेस पे भी आपको पैसे हिसाब से मांगने हैं, ठीक है। और ये भी है कि बहुत से लोग करते हैं क्या, इतना कम मांग लेंगे कि मान लो एक कोई चीज़ है, कोई थंबनेल बनवानी है या फिर कोई पोस्टर बनाना है, वो जो प्रोफेशनल फ्रीलांसर है वो उसके $50 ले रहा है, और आप उसको $5 की बजाय $1 में बना के दे दोगे, अगर कोई $50 ले रहा है तो आप एक बार $10 $8 ले लो, समझ में आता है, पर यार सामने वाले की इतनी वैल्यू कम कर देते हो, आपने भी कोई चीज़ सीखी, समय लगाकर सीखा है, तो इतना भी कम ना हो जाना कि आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाए, तो कुछ हिसाब से ही आपको कम करना है, बिल्कुल नाम के बराबर नहीं आना है, नहीं तो लोग सिर्फ आपसे ही बनवाएंगे, और मार्केट में जो और अदर लोग बैठे हैं यार, जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतना एक्सपीरियंस उनके पास कोई जाएगा नहीं, इसमें गलती आपकी होगी, आपको मार्केट का प्राइस ख़राब नहीं करना है, फिर कोई भी ज़्यादा पैसे देने के लिए राजी नहीं होगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से ये दिमाग लगा कर प्राइसिंग करनी है। ये क्या ऑप्शन होता है, ऐड एक्स्ट्रा सर्विस, आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में कुछ पैसे ऐड करके दे सकते हो, अगर मान लो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विल डिलीवरी इन ओनली यहाँ पे लिख दिया, और डॉलर यहाँ पे लगा दोगे कि अगर इतनी जल्दी लेना चाहते हो तो यहाँ पे मैं इतना इतना पैसा ले लूँगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक तो यार ये डे में देते हैं, अब डे की बजाय टाइम में देते तो यार मैं इसको कर सकता था, चलो इस चीज़ को हटा देते हैं, ये सब एडवांस फीचर हैं। अगर एडिशनल कोई थंबनेल बनवाना चाहते हो तो ये कर सकते हैं, रिवीजन का अलग पैसा लगा सकते हो, स्टॉक मीडिया का अलग पैसा लगा सकते हो, ठीक है। तो वो सब आप अपने हिसाब से कर लो, धीरे धीरे समझ में आएगा, शुरुआत में इन चीज़ों को आपको करने ही नहीं चाहिए, जो जो मैं बता रहा हूँ सेम उस पर आपको फोकस करना है। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ये चेंजेस सेव हो गए। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन है FAQ पे, यहाँ पे आपको अब ध्यान देना है कि यहाँ पे एक ऐसा प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन लिखो, यहीं पे अगर कोई क्लाइंट आता है तो मेन ये डिस्क्रिप्शन देखा जाता है, जो आपने पहले लिखा था वो नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है जो आपकी गिग का डिस्क्रिप्शन होता है। इसमें आपको कुछ ऐसा लिखना है कि क्लाइंट आने के बाद एक बार जाए ना वापस, कि हाँ यार इसी काम कराना है, और क्यों कराना है उसकी वजह भी आप यहाँ पे दे सकते हो। वजह कैसे देनी है, आपको ऐसे लिखना है top 5 reasons फॉर यू गिव मी वर्क, ठीक है, इस तरीके आप यहाँ पे लिख सकते हो। और top 5 reasons इसलिए अच्छे लिखो कि आपसे लोग इम्प्रेस हो जाएं। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखे, मैं आपको बता देता हूँ
जैसे कि आई विल डिज़ाइन अट्रैक्टिव 5 यूट्यूब थंबनेल्स इन ओनली 8 आवर्स, ठीक है 8 आवर्स में दे दूंगा या 5 आवर्स में दे दूंगा। इंक्रीज योर ब्रांड सेल्स एंड बाय स्ट्रेटजीज इंगेजिंग अट्रैक्टिव थंबनेल्स, मतलब कुछ ऐसा दूंगा जो आपके ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएगा। चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ डायरेक्ट, तब आपको समझाता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन, बहुत ही कैची डिस्क्रिप्शन लिख लिया है, और वो भी 631 लेटर्स के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर। देखिए, सबसे पहले लिखा थैंक यू फॉर विजिटिंग माय यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन गिग, क्योंकि गिग है, ठीक है। हेयर ऑन फाइबर विथ द गिग आई कैन हेल्प यू डिज़ाइन आई कैचिंग, देखा मैंने एक वर्ड ऐसा यूज़ किया जो लोगों को प्रभावित करेगा, आई कैचिंग, ठीक है, आई कैचिंग यूट्यूब थंबनेल्स फॉर यू, ठीक है। आई हैव 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिज़ाइन एंड हैव 100 ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ यूट्यूब थंबनेल्स डिजाइन बाई मी। इफ यू नीड सम हेल्प डिजाइनिंग थंबनेल सेंड मी या मैसेज, आई वुड बी हैप्पी टू टॉक अबाउट हाउ कैन आई हेल्प, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने पूरा एक लिख दिया, इससे काम नहीं चलेगा। अब हम लोगों को यहाँ पे टॉप 5 रीजंस देने होते हैं फॉर आप मुझे हायर कर सकते हैं, काम दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन मैंने क्या दिया कि मैं प्रो डिजाइन, मतलब प्रोफेशनल डिजाइन एंड हाई क्वालिटी देता हूँ। दूसरा, मेरे पास 3 डिफरेंट डिजाइन हैं जिनको मैं यूज करके और भी ज्यादा डिजाइन बना सकता हूँ। फिर फ्री फ्यूचर एडिटेबल सोर्स फाइल्स भी दे देता हूँ फोटोशॉप की, जो कोई मांगता नहीं पर मैंने ऐड कर दिया है जिससे मुझे खास बनना है, ठीक है। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है और 5 घंटे में भी डिलीवरी मिल जाएगी, ठीक है। और नोट क्या दे दिया नीचे, इंक्रीज योर ब्रांड सेल्स बाय स्ट्रॉन्ग इंगेजिंग अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल्स। तो इस तरीके आपको बहुत ही बढ़िया सा कुछ कैची सा लिखना होता है जिससे लोग इंगेज हो पाए, ठीक है। तो इस तरीके आप एक एग्जांपल ले सकते हो और इससे भी अच्छा आप लिखने की कोशिश करो, और काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे नए नए टैब खोला करो, टैब खोलने के बाद में और भी ज़्यादा जो फ्रीलांसर्स हैं उनको देखो और उनकी गिग में क्या लिखा हुआ है उसको लिखा कर, मतलब सब चीज़ें एक बार निकाल लो, एक कॉपी में लिख लो सबके 5 हो के, ठीक है। फिर थोड़ा इससे लो, थोड़ा उससे लो, 2 लाइन ऊपर की उससे, 2 लाइन नीचे की इससे, इस तरीके से सबको मिक्स करके कैची सा आप बना सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। अब आता है रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स में हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग थंबनेल बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आफ्टर, ठीक है, आफ्टर, एक सेकेंड, और ड्रिंक प्लीज प्रोवाइड। अब हम लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कहते हैं कि लोग हमें प्रोवाइड करें, ठीक है। एंटर मारेंगे, नीचे आएंगे, पहला आ कोट, जो आप कोटेशन कुछ अगर लिखाना चाहते हैं या फिर कोई भी टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट अगर देखिए, मान लीजिए आप थंबनेल बनवा रहे हो तो कुछ तो बताओगे उसमें क्या लिखना है, अपनी मर्जी से तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो ये चीज़ यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि आप दे सकते हो। You wanted to add, अगर आप कह रहे हो कि नहीं इसी भी टॉपिक पे आप एक थंबनेल बना दो तो हम लोग बना तो देंगे, पर आप चाहिए तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दे सकते हो अगर आप ऐड कराना चाहते हो। नहीं, आपने कहा फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर या बिटकॉइन के ऊपर एक थंबनेल बनाओ, मैंने बना दी, ठीक है। तो यू वॉन्टेड टू ऐड, ठीक है, नीचे आएंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं लोगो और इमेज, कोई अगर आप ऐड कराना चाहते हो, ठीक है, लोगो और इमेज, या फिर कोई एसेट जो आप ऐड कराना चाहते हो, एसेट मतलब कोई भी चीज़ जो आप एक्स्ट्रा ऐड कराना चाहते हो, ठीक है। यू वांट टू ऐड, ठीक है। एक पॉइंट और लिख देते हैं कि अगर आप कोई कलर प्रेफरेंसेस चाहते हैं कि मान लो इसी कलर में हो, रेड एंड ब्लैक यूज़ करके बनाया गया हो, या फिर येलो या ब्लैक यूज़ करके बनाया गया हो, या फिर ग्रेडियंट कलर में बनाया गया हो, तो आप कलर की भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है, नहीं तो मैं यहाँ पे कोई मांग नहीं रहा हूँ, पर आप दे सकते हैं, ठीक है, प्रेफरेंसेस, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको इनके आगे ऑप्शनल लिख देना है, मैं ऑप्शनल बाद में लिख दूंगा, टाइम ज़्यादा व्यर्थ हो जाएगा ये सब चीज़ें लिखने में, आप इन दोनों के आगे ऑप्शनल लिख सकते हो, ठीक है, नीचे के जो दो हैं क्योंकि ऑप्शनल है, ठीक है। एड गेट इन फॉर्म ऑफ फ्री टेक्स्ट मल्टीपल चॉइस अटैचमेंट, चलो अटैचमेंट, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और सेव आफ्टर ऑर्डरिंग प्लीज प्रोवाइड अ कोट और टेक्स्ट यू वॉन्टेड टू ऐड, लोगो और इमेज एसेट यू वॉन्ट टू ऐड, कलर प्रेफरेंसेस,
ठीक है यार, ओके सही लग रहा है ना, आप इसको एडिट भी कर सकते हो और अच्छे से लिख सकते हो, एंड हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ओके तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हो चुकी है, अब आते हैं गैलरी पर। इसने बोल दिया सक्सेसफुली विंग्स विथ अ ग्रेट गिग इमेज, तो ये बता रहा है किस तरीके आप यहाँ पे इमेजेस लगा सकते हो। तो अब आपको कुछ 3 सैंपल देने होते हैं यहाँ पे, सैंपल किस तरीके से, जिससे लोग जान पाए कि आप किस तरीके के थंबनेल बनाते हो। अभी मेरे पास कुछ खास सैंपल तो नहीं, पर यहाँ पे मेरी यूट्यूब वीडियो में जो थंबनेल्स लगती हैं उनके कुछ सैंपल्स पड़े जो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। नंबर 1 पे ये ऐड करूंगा, ठीक है, यहाँ पे ये ऐड हो गई। नंबर 2 पे यहाँ पे ब्राउज करता हूँ, ये ऐड कर दूंगा, ठीक है। नंबर 3 पे ये वाली ऐड कर दूंगा, ओके। तो 3 इमेजेस मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, ओके। इस तरीके से आप और भी इमेजेस यहाँ पे लगा सकते हो जिससे आप अलग दिखो, ठीक है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा बना पा रहे हो किसी चीज़ को और कितना अच्छा यहाँ पे शो कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हो, वीडियो 1 ओनली, ठीक है। यहाँ पे कोई वीडियो भी आप डाल सकते हो, लाइक कोई भी आप छोटी सी वीडियो बनाओ, वीडियो के अंदर आप काफ़ी सारी थंबनेल्स दिखा दो कि मैंने ये भी बनाई, ये भी बनाई है। कम से कम 50+ थंबनेल्स एक वीडियो के अंदर डालो, छोटी सी वीडियो, और वो यहाँ पे लगा सकते हो। तो मेरे पास वीडियो नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। डॉक्यूमेंट आप कोई 2 डाल सकते हो, कोई PDF डाल दो, या फिर कोई भी जिप फाइल में कन्वर्ट करके डाल सकते हो। PDF ऐसा ज़्यादा सही रहेगी, ठीक है। तो वहाँ पर PDF डालोगे, उसमें काफ़ी सारे लोग देख लेंगे डिज़ाइंस की, इस तरीके की डिज़ाइन आप बना लेते हो। फिलहाल अभी मेरे पास PDF और वीडियो नहीं है, ये सब मैं बाद में काम करूँगा। और आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे 3 प्रोटोटाइप आपको डाल देने हैं, फिर यहाँ पे एक वीडियो और 2 PDF डाल सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करते हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यू आर ऑलमोस्ट देयर, कम्प्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट सेलिंग, ठीक है। यहाँ लगभग सब कुछ हो चुका है। अब ये पूछा है लेट्स चेक इफ यू नीड टू फिल आउट फॉर्म W9। एक फॉर्म होता है W9 करके, US के अगर बाहर के पर्सन हैं उनको भरना, मतलब US के अंदर के सारे लोगों को होता है उनको भरना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे US से नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। आई कन्फर्म दैट ऑल द सर्विस आई ऑफर ऑन फाइबर आर परफॉर्म्ड विदाउट आउटसाइड ऑफ द US, US that's authorized might request from W9 information regarding your activity on Fiverr। हम लोग नो पे करके चलते हैं, ठीक है यार, ठीक है। आई कन्फर्म दैट ऑल द ऑफर्स आर यू पर्सन एज US, नो हम नहीं है, ओके, ठीक है। हर चीज़ पढ़नी पड़ती है, कोई भी चीज़ यहाँ पे गलत ना हो। क्या लिख के आ गया है, यू आर डन, नो नीड टू फिल आउट W9 फॉर्म, ओके। अब हम लोग क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम सक्सेसफुली अकाउंट बना चुके हैं, अपनी गिग बना चुके हैं, और बिल्कुल कम्प्लीटली यह सारा प्रोसेस हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है। ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे सारे कम्प्लीट हो चुके हैं। सेव एंड रिव्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे पूछेगा कि आप इंडिया से हैं, तो ठीक है, हाँ इंडिया से हैं। अब यहाँ पे यार नंबर देना होता है, तो नंबर को चलिए मैं कर लेता हूँ वेरीफाई, उसके बाद में आपसे मिलता हूँ। आपको कुछ करना नहीं होगा, आपको सिंपली यहाँ पे अपने 10 डिजिट का नंबर डालना, ऊपर कंट्री डाल देनी है। कंट्री के आगे कंट्री कोड आता है, जैसे कि इंडिया का 91 है, उसके आगे अपना नंबर डाल के एक OTP आएगी SMS द्वारा, उसको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ, ओके गाइस। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल दिया अपना मोबाइल नंबर जो जेन्युइन है, और उसके बाद जैसे ही एक OTP आया, OTP डाल दिया, तो ये आ गया फोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, ऐड क्वेश्चन फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, एक क्वेश्चन आप ऐसा डाल दो जो आप कल का, मान लीजिए आपका अकाउंट मिस हो जाता है, आप अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हो, अकाउंट हैक हो जाता है, या अकाउंट किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन डाल दो जो आप ही को सिर्फ पता हो और किसी को ना पता हो, ठीक है। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, व्हाट वाज योर फर्स्ट पेट, व्हाट वाज द चाइल्डहुड निक नेम, ठीक है। In what city did your parents meet? What is the same of your favorite childhood friend? तो यहाँ पे ये डाल देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आपको छुपा कर डालूँगा, ये मैं शो नहीं कर सकता हूँ, ओके। मैंने यहाँ पे एक नाम डाल दिया था, उसको मैंने कर दिया। अब यहाँ पे सब चीज़ें लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। सेव एंड प्रीव्यू पे एक बार क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे एक सेकंड का समय लेगा ये, एंड देन यहाँ पे हमारा अकाउंट पूरा सबमिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कर देना होता है, इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिया टैक्स पर्पस, ये तो मुझको मेरी समझ से नहीं करना चाहिए, देख लेता हूँ। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले अपना नाम डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम डाल देंगे, ओके। यहाँ पर कंट्री पूछ रहा है, कंट्री डाल देंगे, ये ऑप्शन पहले नहीं आते थे, अभी आने लगे हैं जब से GST का कुछ मैटर हुआ है। इंडिया 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 इंडिया, ये रहा,
इंडिया मेरी जान, ठीक है, स्टेट यूनियन टेरिटरी, स्टेट है स्टेट यूपी, उत्तर प्रदेश, आर यू सिटीजन रेजिडेंट ऑफ इंडिया मैंडेटरी, आर यू सिटीजन, तो यार यस मैं सिटीजन हूँ। और ये क्या पूछ रहा है, आर यू रजिस्टर्ड फॉर इंडिया जीएसटी, नो, और कुछ व्हाट इज़ योर टीसीएस अंडर जीएसटी टैक्स कैटेगरी, नहीं यार नहीं आता है हमारा, इसको ये रहने देते हैं, सेवन चेंजेस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, हम लोग ने इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्लियर कर दी हैं, देन यहाँ पे सेव क्लिक कर दिया, योर गिग इज ओपन फॉर बिजनेस, मेरी गिग बन चुकी है और यहाँ पे हम लोग अपनी चीज़ों को अप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, सेव एंड क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए सेविंग योर गिग आ चुका है और यहाँ पे एक गिग बन चुकी है, मैंने प्रोफेशनल्स नाम से बना दिया, ठीक है, प्रोफेशनल नाम से बनी हुई है। आई विल क्रिएट 5 थंबनेल्स विद HD क्वालिटी, ये मैंने एक लाइन में लिख दिया है, वन डे अंदर डिलीवरी मिलेगी, अनलिमिटेड रिविजन्स मिलेंगे, 5 थंबनेल बनाऊंगा, इमेज सोर्सिंग भी दूंगा, कस्टम डिजाइन इमेज मिलेगी, इंक्लूड सोर्स फाइल, कितना ₹433 में मात्र, ठीक, $5 की कीमत ₹433। और कॉन्टेक्ट सेलर पे कोई क्लिक करता है बाई चांस तो यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, मैसेज डालने का ऑप्शन, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया है और यहाँ पे कुछ मेरे प्रोटोटाइप्स आ गए हैं, जैसे उसका आ रहा था, सबसे पहले टाइटल आएगा आई विल डिज़ाइन अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल्स फलाना फलाना फलाना, ओके। तो यहाँ पे मेरा नाम, कोई मेरे अकाउंट के बारे में जानना चाहेगा तो वो डाल सकता है, कुछ मेरे थंबनेल्स इस तरीके से, तो ये चीज़ें यहाँ पे, और भी मैं थंबनेल्स ऐड करूँगा, ये तो अभी छोटी मोटी मैंने डाल दी हैं, और फलाना यहाँ पे पूरे मेरी डिटेल आ गई जो मैंने डाली थी, ठीक है। और यहाँ मार्केट टाइप, मार्केट प्लेस, सोशल मीडिया, ठीक है, ये सब मैंने डाल दिया। और यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर एसपी क्रैकर के नीचे, और बाकायदा यहाँ पे मैंने अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी, ओके। और यहाँ पे क्या दिए, प्रोफेशनल्स के अंदर ये सब दे दिए, ये तो वही चीज़ है, टैक्स डाल दिए, और बहुत बढ़िया मेरा कंप्लीट गिग बन चुका है। अब आपने एक गिग बना लिया है, अगर आपको और गिग बनाना है तो और बना सकते हो, एडिट गिग करना है तो एडिट कर सकते हो। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूँ, आपको एक ही प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रहना है, आपने फाइवर के अंदर अकाउंट बनाया है तो सेम आप यही प्रैक्टिस करके जाइए, फ्रीलांसर्स के अंदर बनाइए, अपवर्क के अंदर बनाइए, और वहाँ पर बनाने के बाद हर जगह से क्लाइंट बटोरिए, जहाँ से जो क्लाइंट मिल जाए वहाँ से वो अपना आप कर सकते हो। CRU गिग करोगे ना तो यहाँ से अपने बारे में प्रमोट कर सकते हो इन सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता चल गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर समझते हैं कि ये क्या चीज़ आ रही है, सबसे पहले डैशबोर्ड पे हम लोग हैं जो अभी आपको दिख रहा है, माई बिजनेस पे जाओगे तो यहाँ पे ऑर्डर्स कितने हैं, ऑर्डर्स पे जा सकते हो, अभी जो कि ऑर्डर्स एक भी नहीं है, ठीक है। अभी ये बायर रिक्वेस्ट के बारे में मैं बताऊंगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बारे में बताऊंगा। गिग्स पे जाएंगे तो गिग्स पे आप देख सकते हो आपकी कितनी सारी गिग बनी हुई हैं, मैं यहाँ पे गॉट इट करके देख सकता हूँ, मैंने अभी एक गिग बनाई है जो कि मैंने बनाई है यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन के लिए, ठीक है। और आप यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग करके और गिग बना सकते हो, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक्सेप्टिंग कस्टम ऑर्डर्स भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, ठीक। सेट ब्रीफ, ग्रोथ एंड मार्केटिंग्स पे आएंगे तो आप स्केल योर बिजनेस बढ़ा सकते हो, कॉन्टैक्ट्स लर्न वगैरह कर सकते हो, मेन है एनालिटिक्स, एनालिटिक्स पे आप ओवरव्यू पे आओगे तो यहाँ पे पता चलेगा क्या क्या चीज़ें, कितना आपका बिजनेस चल रहा है, क्या ग्रोथ है, ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ओवरव्यू में मैंने यहाँ से, इन्होंने एक वीडियो डाल रखी जहाँ से आप समझ सकते हो, पर यहाँ पे भी कोई चीज़ यहाँ पे ओवरव्यू में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अभी ये मैंने ताज़ा अकाउंट बनाया है। यहाँ पे अर्निंग की डेट हो जाएगी और सेलिंग प्राइस पता चलेगा, ऑर्डर कितने कंप्लीट किए वो पता चलेगा, अर्निंग अक्टूबर में इस मंथ में कितनी भाई वो है, और पूरा यहाँ पे ग्राफ मिल जाएगा आपको, तो जब आप धीरे धीरे काम करोगे तो ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। अभी क्या क्या चीज़ें देखिए हमारे पास नहीं है, हमारे पास अच्छी रेटिंग नहीं है, अर्निंग नहीं है हमारी पूरी, ठीक है, कम से कम $4 हो तब यहाँ से ट्रांसफ़र होगी, $4 या फिर $400, ठीक है, $400 एंड एटलीस्ट $400 फ्रॉम कम्प्लीट ऑर्डर ऑल टाइम, ठीक, कम से कम $400 कम से कम कमाने ही पड़ेंगे, ठीक है। रिसीव्ड एंड कम्प्लीट एटलीस्ट 10 orders, कम से कम 10 orders कम्प्लीट करने ही पड़ेंगे। सेलिंग सिंसियरिटी, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, कम्प्लीट एटलीस्ट 60 days एज अ सेलर, सेलर के तौर पे कम से कम 60 दिन तो होने ही चाहिए। ये गोल्स आपको level 1 सेलर के लिए पहुंचाएगा, ठीक है, अचीव दिस गोल्स टू बिकम अ level 1 सेलर। level 1 सेलर बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पे आप level 1 पे जाओगे, फिर level 2 पे जाओगे, फिर टॉप रेटेड पे जाओगे। टॉप रेटेड सबसे अच्छे होते हैं, जहाँ पर उनके पास काफ़ी ज़्यादा रेटिंग, काफ़ी ज़्यादा स्टार्स होते हैं, जैसे कि टॉप 5 रेटिंग के अंदर आते हैं, रिव्यू बहुत होते हैं,
तो उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, ये सब आपका पूरा कंप्लीट अकाउंट बन चुका है। तो ये आपको कैसा लगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बैक आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इतना समझ गया। मैं माई बिजनेस पे जाता हूँ, ये बायर रिक्वेस्ट क्या है, सबसे मेन ऑप्शन है। यहाँ से आपको क्लाइंट मिलेंगे। बायर रिक्वेस्ट आपको अपने मोबाइल में ये अकाउंट फाइबर का ऐप डाउनलोड कर लेना है। फाइबर का ऐप जना जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे यही अकाउंट खोल लेना है, साइन अप लॉगिन करना होगा इसी अकाउंट से। आपने जो ईमेल जीमेल दिया है उसके द्वारा आपको लॉगिन कर लेना है। देन वहाँ पे आपको ये बायर रिक्वेस्ट आपको हर आधे घंटे में चेक करते रहना है। बायर रिक्वेस्ट में क्लाइंट अपनी एक रिक्वेस्ट डालता है कि मुझे ये बनवाना है। मान लो मैं क्लाइंट हूँ जनाब, और मैंने डाला कि मुझे गेमिंग थंबनेल्स बनवानी है, 7 गेमिंग थंबनेल्स बनवानी है, और मुझे 5 दिन के अंदर बनवानी है, और मैं पैसे आपको दे सकता हूँ मान के चलो $35। ठीक, $35 उसने कहा। अब आपने वो चीज़ देख ली, आपने एक्सेप्ट किया, मैसेज पे गए। उसके बाद आपको 3 चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। पहला कि आप पैसा कितने लोगे, दूसरा आप कितने दिन में दोगे। मान लीजिए उसने 7 दिन या 5 दिन कहा है, आप उसको 2 दिन या 3 दिन में ही करके दे सकते हो, तो वहाँ पे मेंशन कर दो। ठीक है, पैसा, काम, 2 चीज़ें मेंशन कर दी, प्लस एक मैसेज अपने बारे में लिख दिया जाता है कि मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है। वो मैसेज आपको जो यहाँ पे मैंने अभी दिखाए हैं इन्हीं को कॉपी कर लेना है, और वहाँ पे एक शॉर्ट मैसेज उसको भेज दिया जाता है कि मैंने ये काम किया है। उससे आपको बायर रिक्वेस्ट मिल जाएगी और आप काम कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया कि आपको डील कैसे क्लोज करनी है अभी रोड मैप के अंदर। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन से नोट्स को डाउनलोड कर लो और उसको देखो कि मैंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर बताई, डील क्लोजिंग कैसे की जाती है, कोई क्लाइंट आता है तो पैसे का लेन देन कैसे होता है, वो सब आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता रखा है। ठीक है, तो आपको सबसे मेन यहाँ पर ये है कि बायर रिक्वेस्ट आपको बीच बीच में चेक करते रहना है। ठीक है, जब आप नया अकाउंट बनाते हो तो आती हैं चली जाती हैं, इसलिए आपको यहाँ पर देखते रहना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट अभी नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट है अभी भी मन में जनाब, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये जनाब कंप्लीट कोर्स कैसा लगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि अगर इसके बाद ये कोर्स में अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है, लाइक्स अच्छी आती हैं, कमेंट्स अच्छे आते हैं, फीडबैक कुल मिला के अगर अच्छा मिलता है, तो मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर और भी वीडियोस लाऊंगा। जैसे कि जैसे आपने अभी ये गीक बनाया है, तो इसको हम लोग SEO कैसे कर सकते हैं, इसको प्रमोट कैसे कर सकते हैं, और ज़्यादा हम लोग यूज़र्स तक कैसे अपनी गीक को पहुंचा सकते हैं, तो इसके ऊपर एक स्ट्रेटजीज के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनानी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग कुछ प्रोफेशनल टिप्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे SEO होता है, कैसे लोगों तक और पहुँचाया जाए, क्लाइंट को कैसे हैंडल किया जाए, वो अलग एक वीडियो में बनाने की बाद में ट्राई करूंगा। पर जब इस वीडियो पे कम से कम अच्छा लाइक्स, अच्छा रेशियो आएगा, फीडबैक मिलेगा, तब जनाब मैंने इस कंप्लीट कोर्स के अंदर जो मेहनत की है सिर्फ मैं अभी जान सकता हूँ, कोई नहीं जान सकता है। पिछले 3-4 रातों से मैंने अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करते हुए, बिल्कुल ध्यान न देते हुए, मात्र मैं अगर आपको सच बताऊँ तो 2.5 से 3 घंटे की नींद पर सर्वाइव कर रहा हूँ। अभी भी रात के करीबन यहाँ पे बज रहे होंगे, रुकिए मैं आपको देख के बताता हूँ, रात के 4:11 हो रहे हैं, अब तो सुबह होने वाली है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेरे साथ हालात है। अब आप लोग अगर इस कोर्स पे आए हो और अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडिया टाइम नाउ, ठीक है, तो शायद यहाँ पे ये दिखाएगा। ठीक है, 4:11 सुबह के, और मैं ये वीडियो कब बना रहा था, आप जब स्टार्टिंग की होगी तो आप देख सकते हो, आपको वहाँ पे शो हो रहा होगा यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे इस जगह पे। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो 4:11 हो रहे सुबह के, और पूरी रात ऐसे ही हो चुकी है। आप जाकर वीडियो कंप्लीट भैया, अब कल मैं इसको एडिट करूँगा, देन ये वीडियो आएगी इस चैनल पर, और आने के बाद आई होप, मैं कामना करता हूँ कि वीडियो अच्छा करे, आप लोग की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, और कुछ आप इससे सीख पाएँ, आप भी अपनी जर्नी को कुछ अच्छा कर पाएँ, और कुछ पैसे आप अपनी फ्रीलांसिंग की दुनिया में कमा पाएँ, अपनी स्किल्स की मदद से कुछ पैसा कमा कर अपनी पेरेंट्स की हेल्प कर पाएँ। तो आई होप ये कंप्लीट कोर्स आपको अच्छा लगा होगा, एक लाइक करके आप मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड कोडिंग कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाने वाली है। इस चैनल का फ्यूचर ही कोडिंग कोर्सेज है, प्रोग्रामिंग कोर्सेज है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ। आज की वीडियो बस इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।